नमस्कार दोस्तों, आप सभी का इस चैनल पर स्वागत करता हूं। मैं मनदीप लांबा आज आपके साथ चर्चा करने वाला हूं, डिस्कस करने वाला हूं 10th क्लास की ज्योग्राफी कंप्लीट को। इन डेप्थ एनालाइज मैंने किया हुआ है इस वीडियो में। चैप्टर 1 से लेकर 7 तक आपके साथ इस वीडियो में डिस्कस किया जाएगा। तो ये फुल एनसीईआरटी बेस्ड रहेगा, समरी है एनसीईआरटी की। और 10th क्लास की ज्योग्राफी से अगर आपके कोई भी डाउट है कंटेम्प्रेरी इंडिया सेकेंड से, तो आपके इस वीडियो को देखने के बाद बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें ताकि आपकी जो भी डाउट्स हैं, जो भी आपके क्वेरीज हैं, वो आपकी फुलफिल किया उनको क्लियर कर सकूं। ठीक है, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं। रिसोर्स एंड डेवलपमेंट होता है, उसको हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, कवर करेंगे। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहती है, चाहे आप क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम्स देने चाह रहे हैं या फिर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए बेटर अंडरस्टैंडिंग ये वीडियो प्रोवाइड करेगी। दोस्तों, सबसे पहले हमारे क्वेश्चन आता है कि रिसोर्स होता क्या है, आपका संसाधन होते क्या हैं, ये आपके दिमाग में उठता है। जो भी आपकी कंपोनेंट है, जो भी आपका एनवायरनमेंट में यूज करते हैं, जो भी आपकी नीड्स को सेटिस्फाई करे, वो आपका रिसोर्स होता है। फॉर एग्जांपल आपके लिए बात करें तो आपके फिजिकल नेचर है, वो भी आपके लिए रिसोर्स है। आप जिस टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हैं, वो भी आपका रिसोर्स है। और आपके इंस्टीट्यूशन है, वो भी आपका एक रिसोर्स है। तो इंटरडिपेंडेंट आपके रिलेशनशिप होता है बिटवीन नेचर एंड होम, टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशन, आप ह्यूमन बीइंग उसके बीच में रहते हैं। फॉर एग्जांपल आपका ये डायग्राम है, इसमें आप ह्यूमन बीइंग कुछ फिजिकल ने एनवायरनमेंट की भी मदद लेते हैं, टेक्नोलॉजी की मदद लेते हैं और इंस्टीट्यूशन की मदद लेते हैं। तो ये आपके लिए सभी चीज़ें मिलाकर आपको एक लिए एक रिसोर्सेज बनते हैं। तो जनरली आपके जो भी आपकी नीड्स को सेटिस्फाई करे, वो आपका रिसोर्स होता है। अब आपके दिमाग में ये होता होगा कि क्वेश्चन आता होगा कि फ्री में गिफ्ट है आपके लिए ये सभी रिसोर्सेज जो कि आपके नेचर के द्वारा दिए गए। तो ये दोस्तों आपके फ्री में बिल्कुल भी नहीं है, रिसोर्सेज आपके फंक्शन ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़ है। ह्यूमन कुछ एक्टिविटी करता है, उसके बाद ही उस रिसोर्स को डेवलप कर पाता है। ये आपको आइडेंटिफाई करना होता है कि वो चीज़ आपके लिए रिसोर्स है या नहीं है। अभी ह्यूमन बींग्स की बात करें तो एसेंशियल कंपोनेंट्स हैं, वो आपके लिए रिसोर्स हैं। अगर आपको आपने कुछ देखा नहीं, आपके लिए वो चीज़ें कुछ भी नहीं है, तो वो एक आपके लिए रिसोर्स नहीं है। अब रिसोर्स को हम क्लासिफाई करते हैं कुछ फॉलोइंग वेज से, आपकी क्लासिफाई किया जैसे कि हम बेसिस ऑफ ओरिजिन के आधार पर बात करते हैं। तो बायोटिक और एबायोटिक, जैविक और अजैविक के आधार पर हम ओरिजिन के आधार पर हम उसको क्लासिफाई करते हैं। बेसिस ऑफ एक्सेसिबिलिटी की बात करें तो रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज मिलते हैं, ये भी आपका क्लासिफिकेशन हुआ। ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, इंडिविजुअल भी होते हैं कुछ रिसोर्सेज, कम्युनिटी बेसिस पे होते हैं और नेशनल और इंटरनेशनल बेसिस पे भी आपके कुछ रिसोर्सेज देखने को मिलते हैं। कुछ रिसोर्सेज आपके स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट के आधार पर होते हैं, कुछ का पोटेंशियल डेवलपमेंट, स्टॉक, रिजर्व्स, ये आपके कुछ क्लासिफिकेशन होते हैं रिसोर्सेज के। एक एक को हम आगे डिस्कस करेंगे, बात करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले आपका रिसोर्सेज होते हैं नेचुरल और ह्यूमन। तो नेचुरल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं कि जो कि आपके पर्यावरण के द्वारा आपको मिले हैं, नेचर गिफ्ट है। तो ये रिन्यूएबल भी हो सकते हैं, कुछ नॉन रिन्यूएबल भी होते हैं। तो रिन्यूएबल सोर्स की बात करें तो कंटिन्यूस उनका फ्लो चलता रहता है, और ये विंड भी होता है, आपका वाटर भी होता है, जो कि आपके रिन्यूएबल हो जाते हैं। अभी बायोलॉजिकल रिन्यूएबल की बात करें तो आपका नेचुरल वेजिटेशन है, जो आपके फॉरेस्ट हैं वो भी आपके लिए रिन्यूएबल सोर्स है। वाइल्ड लाइफ है, वो भी आपके लिए एक रिन्यूएबल सोर्स है। नॉन रिन्यूएबल की बात करें तो आपके कुछ रिसाइकलेबल होते हैं, कुछ आपके नॉन रिसाइकलेबल होते हैं। जो आपके मेटल्स हैं, धातु हैं, वो आपके लिए रिसाइकलेबल, रिसाइकल हो जाता है, कुछ समय बाद आप यूटिलाइज किया, आप उसके बाद उसको और किसी फॉर्मेट में डालकर उसको यूटिलाइज कर लिया गया। आपके नॉन रिसाइकलेबल होते हैं जो आपके फॉसिल फ्यूल्स हैं, वो आपके नॉन रिसाइकलेबल है। अभी ह्यूमन के अकॉर्डिंग हम रिसोर्स की बात करें तो ह्यूमन के अकॉर्डिंग आपके कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं, इंस्टीट्यूशंस होते हैं, वो आपके ह्यूमन रिसोर्सेज होते हैं। क्वालिटी है, क्वांटिटी है, वो आपके ह्यूमन रिसोर्सेज देखने को मिलती है। अभी टाइप्स ऑफ रिसर्च की बात रिसोर्सेज की बात करें तो आपकी बेसिस ऑफ ओरिजन में बायोटिक और रिसोर्स और एबायोटिक रिसोर्स की हमने बात की। तो बायोटिक रिसोर्स वो होते हैं जो कि आपके बायोस्फीयर में मिलते हैं, जो आपके लिविंग थिंग्स होती हैं। तो लिविंग थिंग्स में आपके ह्यूमन बींग्स भी होता है, आपके फ्लोरा और फाना भी होता है, फिशरीज भी होती है, लाइफ स्टॉक भी होता है, ये आपके बायोटिक रिसोर्स में आते हैं। एबायोटिक रिसोर्स की बात करें तो एबायोटिक रिसोर्स वो रिसोर्सेज होते हैं जो कि आपकी नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं, जो कि आपके जैसे कि रॉक्स हुई, मेटल्स हुए, ये आपके एबायोटिक रिसोर्सेज में आते हैं।
ऑन द बेसिस ऑफ एक्सस्टिबिलिटी की बात करें तो आपके रिन्यूएबल रिसोर्स होते हैं जो कि आपके कुछ समय बाद रिसोर्सेज का यूज़ किया और उसके बाद रिन्यू हो गई, मतलब कि उनको आपके सोलर और विंड एनर्जी है उसको आपने यूज़ किया, उसके बाद उनकी जो साइकिल है वो आपकी चलती रहती है, कंटिन्यूस उनका फ्लो चलता रहता है। आज आपने हीट का या विंड का आपका आपने एनर्जी में कन्वर्ट किया, ऐसा नहीं है कि उसके बाद वो विंड नहीं चलेगी, विंड वो कंटिन्यूस चलती रहती है। तो इस तरीके से रिन्यूएबल सोर्स आपके हरदम रिन्यू होते हैं, फिजिकल केमिकल मैकेनिकल प्रोसेस के जरिए हम उसको रिप्लेस करते रहते हैं, रिन्यूएबल करते रहते हैं। तो रिन्यू कहते हैं वो जो भी आपके नवीकरणीय है। अभी नॉन रिन्यूएबल की बात करें जो कि अनवीकरणीय रिसोर्सेज होते हैं जो कि आपके लंबे समय तक जियोलॉजिकल टाइम स्केल के अकॉर्डिंग बहुत ही ज़्यादा मिलियंस ऑफ ईयर्स उसमें लगते हैं उस प्रोसेस। जैसे ये मिनरल्स हैं, आपकी फॉसिल फ्यूल्स हैं, ये आपके इसी टाइप के नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स के एग्जाम्पल देखने को मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके मेटल्स हैं वो रिसाइकलेबल हैं, जैसे कि आपकी मेटल है, जैसे कि आपकी लोहा है, आयरन है, वो आपका कुछ टाइम बाद आपने यूटिलाइज किया, उसका आप यूज़ किया और उसके बाद उसमें कुछ या तो उसमें रस्ट लग गया, तो रस्ट लगने के बाद आप उसको स्पेयर में भेज देते हैं, आप उसको सेल कर देते हैं, तो उसके बाद भी वो यूटिलाइज होता है, तो ये आपके रिसाइकल हो जाता है, उसको फिर से हम नवीकरण कुछ और उत्पाद बना देते हैं। फॉसिल फ्यूल्स की बात करें तो ये रिसाइकल नहीं होते, ये एक बार कम्बक्शन हुआ, आप फॉर एग्जांपल पेट्रोल लगा लीजिए, पेट्रोल आप बाइक्स में डलवाते हैं, डलवाने के बाद ऐसा नहीं है कि उसको फिर से हम यूज़ करें, एक बार ही डलवाते हैं और फिर बाद में वो आपका कम्बक्शन के थ्रू आपका फिर से रिसाइकल या उसको यूटिलाइज नहीं कर पाते, तो वो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स मिलते हैं। अभी ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप की बात करें तो इंडिविजुअल रिसोर्स होते हैं कुछ तो आपके, जो कि आपके उस पर आपका कब्जा होता है, इंडिविजुअल प्राइवेट आपकी ओन होती है, जैसे कि एग्जांपल लें प्लॉट्स हुए, हाउसेज हुए, आपकी प्रॉपर्टी है, आपकी जो नाम है वो आपके इंडिविजुअल रिसोर्स है। फॉर एग्जांपल आपके प्लांट्स हैं वो आपके इंडिविजुअल रिसोर्स हैं, आपकी प्लॉट्स हैं, आपके हाउस हैं, पोंड है, वाटर है, उस पर आपका खुद का अधिकार है। कम्युनिटी लेवल की बात करें, कम्युनिटी ओन्ड पे आपकी रिसोर्सेज होते हैं, वो रिसोर्सेज वो होते हैं जो कि आपके रिसोर्सेज आपके सभी मेंबर्स कम्युनिटी के जितने भी मेंबर्स हैं वो एक्सेस कर पाएं, क्योंकि विलेज में कॉमन विलेज हुआ या आपके सिटी हुआ तो पब्लिक पार्क्स लगाइए, पिकनिक स्पॉट्स लगाइए, प्लेग्राउंड्स लगाइए, वो आपके सभी पर्सन्स उसको यूटिलाइज करते हैं, उस पर किसी एक पर्सन का अधिकार नहीं होता, ठीक है। नेशनल रिसोर्सेज की बात करते हैं, नेशनल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं जो कि आपके नेशन से रिगार्डिंग रहते हैं। फॉर एग्जांपल आपके कंट्री इंडिया की बात करें तो आपका पूरे के पूरे जो पॉलिटिकल बाउंड्री है लैंडमास पे, उस पे आपका अधिकार है, उसके बाद ओशियन में भी 12 नोटिकल माइल्स आपका भी अधिकार रहता है, तो 12 नोटिकल माइल्स यानी कि 22.2 किलोमीटर आपके कोस्ट से ज़्यादा अंदर टेरिटोरियल वाटर के पर भी आपका अधिकार होता है, वो आपका नेशनल रिसोर्स हुआ। इंटरनेशनल रिसोर्स की बात करें जो कि आपके ओशियन के अंदर होता है 200 नोटिकल माइल्स का, जिसको हम एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन का नाम देते हैं, तो ये रिसोर्सेज आपके ओपन ओशियन में होते हैं, इस पर इंटरनेशनली सभी कंट्रीज का अधिकार होता है, ठीक है। अभी ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट की बात करें, जो हमारा फोर्थ पॉइंट था, पोटेंशियल रिसोर्स होते हैं। पोटेंशियल रिसोर्स वो होते हैं कि किसी रीजन में उस क्षमता होती है लेकिन उसको यूटिलाइज नहीं किया जाता। फॉर एग्जांपल राजस्थान और गुजरात की बात करें तो वहाँ पर विंड और सोलर एनर्जी इतनी ज़्यादा है लेकिन उसको यूटिलाइज नहीं किया जा रहा, उसके डेवलपमेंट नहीं हुआ है कि हम उसको पूरी को डेवलप कर पाएँ, हम कुछ भी उसका यूटिलाइज कर पाएँ, तो ये पोटेंशियल रिसोर्स होते हैं जो कि आपके यूटिलाइज प्रॉपरली नहीं हो रहे, क्योंकि हमारे पास उनके लिए कोई डेवलपमेंट प्रॉपरली नहीं हो रहा, हमारे पास कोई इक्विपमेंट की कमी है। डेवलप्ड रिसोर्स वो रिसोर्सेज होते हैं दोस्तों जो कि आपके आपके समय दर समय उसका क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों के दोनों को हम यूटिलाइज कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी के बिहाव पे या फिजिबिलिटी के आधार पे, आपका वो डिपेंड करता है डेवलपमेंट कैसे हो रहा है, लेकिन आपका उसका फुल यूटिलाइज हो रहा है, वो आपका डेवलप्ड रिसोर्स के श्रेणी में आता है। स्टॉक की बात करें तो स्टॉक आपका वो कंपाउंड होता है जो कि आपके जैसे आपने आप किसी प्रोडक्ट का आपने स्टॉक कर लिया तो वो उसी तरीके से होता है।
मटेरियल है, एनवायरनमेंट में आपके कुछ पोटेंशियल्स होते हैं, ह्यूमन के नीड होती हैं जिसको फुलफिल करने के लिए अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं, हम उसको एक एक्स्ट्रा लेवल पे हम उसका यूटिलाइज कर लें। फॉर एग्जांपल आपका वाटर है, वाटर का यूटिलाइज आप करते हैं, वाटर का यूटिलाइज करते हैं लेकिन उसमें आपके टू गैसेज का कंपाउंड होता है। आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, सबने पढ़ा होगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो दोस्तों हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो आपका है उसमें रिच सोर्स होता है एनर्जी हाइड्रोजन, और ये दो अगर आप प्लेयर्स की बात करें या क्रिकेटर्स की बात करें तो हाइड्रोजन वाटर पीते हैं, हाइड्रोजन वाटर लेते हैं, तो वो हाइड्रोजन वाटर आपकी एनर्जी का एक रिच सोर्स होता है, इस वजह से वो वाटर यूज़ किया जाता है। लेकिन हमारे पास उतना इक्विपमेंट्स नहीं है कि हम उनको यूज़ कर पाएँ, इसलिए वो कमी है, वो एक उनका एडवांसमेंट नहीं आया है। रिजर्व्स की बात करें तो रिजर्व से वो चीज़ें होती हैं जो आपके रिवर्स हैं, वाटर उसको जनरेट करते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर। आप डैम कंस्ट्रक्ट करते हैं, डैम कंस्ट्रक्ट इस वजह से करते हैं कि आपको फिर भी कभी भी आपके पास समस्या आए, किसी जगह पर सूखा आए या फ्लड आए या फिर तो उसको मेंटेन कर पाएँ, फ्लड आए तो आप उसको रोक पाएँ, और आप अगर वहाँ पर कुछ डेजर्ट कंडीशन बने किसी भी जगह पर तो आप उनको उनसे फ्यूचर में यूटिलाइज कर पाएं। तो वो प्रोडक्ट आपका जो डैम कंस्ट्रक्ट किया उसमें आपका वाटर रिजर्व हुआ वो आपका रिजर्व्स कहलाते हैं। वो आपको क्लियर हुआ होगा। अभी इन जो रिसोर्सेज हैं इनका डेवलपमेंट कैसे किया जाए ये हमारे लिए बहुत प्रॉब्लम रहती है। तो दोस्तों कॉमनली आपको ये देखने को मिलता है कि आप रिसोर्सेज को ह्यूमन सर्वाइवल के लिए मेंटेन रखें, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट रहता है। आप सभी ये सोचते होंगे कि जो भी रिसोर्सेज हैं वो आपके फ्री गिफ्ट किए गए हैं, नेचर के द्वारा मिल गए और उनको हम फिर से ले सकते हैं, लेकिन दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कुछ समय बाद वो या तो लुप्त हो जाते हैं या फिर उसमें जो लेवल है वो आपका बहुत कम हो जाता है, मतलब कि उनकी अवेलेबिलिटी है वो बहुत कम हो जाती है। तो ये आपकी कंडीशन देखने को मिलती है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल बात करें, आप इकोलॉजिकली क्राइसिस हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हुई, ओजोन लेयर डिप्लीशन हुआ, एनवायरनमेंट पोल्यूशन हुआ, लैंड डिग्रेडेशन हुआ, तो ये सभी चीज़ें आप उसका यूटिलाइज हाई लेवल पे करते हैं, उसका एक तरीके से अंधाधुंध यूटिलाइज करते हैं, तो इसकी वजह से उनका डेवलपमेंट करना भी ज़रूरी है, क्योंकि हमें ये तो है नहीं कि आज यूटिलाइज कर लिया तो आगे आने वाली जो भी यंग जनरेशन हैं उन वो यूटिलाइज नहीं करेंगे, उनको भी अपना जीवन जीना है, इस वजह से हमें डेवलपमेंट करना चाहिए टाइम टू टाइम रिसोर्सेज का। रिसोर्स की प्लानिंग के लिए हमें स्ट्रेटजी बनानी चाहिए, एक एक्सेप्ट हो जो कि आपके वाइड एरिया में, जैसे कि आपकी कंट्री की बात करें तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी देखने को मिलती है, क्योंकि आपका किसी जगह पर पहाड़ मिलते हैं, किसी जगह पर आपके जो लैंड मिलती है, आपके समतल मैदान मिलते हैं, कहीं पर आपका प्लेटू मिलता है, तो ये कंडीशंस देखने को मिलती है। फॉर एग्जांपल अगर बात करें झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में, यहाँ पर मिनरल्स और कोल डिपॉजिट्स के बहुत ज़्यादा यहाँ पर क्षमता है, यहाँ पर कोल और मिनरल्स की डिपॉजिट्स बहुत ज़्यादा मिलते हैं। अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर वाटर रिसोर्सेज ज़्यादा हैं लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप इतना नहीं हुआ है ताकि उनको हम यूटिलाइज कर पाएँ, तो वो करने की ज़रूरत है। अगर राजस्थान की बात करें, यहाँ पर सोलर और विंड एनर्जी बहुत ज़्यादा अच्छी मिलती है लेकिन हमारे पास यहाँ पर वाटर रिसोर्सेज की कमी है, तो हमें एक प्रॉपर पूरे इंडियन सिनेरियो पे हमें डेवलप करना चाहिए जो कि आपकी रिसोर्स प्लानिंग कहलाती है। रिसोर्स प्लानिंग से हम ये सुनिश्चित करें कि किसी जगह पर कोई डिमांड है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपकी वाटर रिसोर्सेज की राजस्थान में ज़रूरत है, तो जो भी आपके रिच इन वाटर रिसोर्सेज हैं उन जगह से आप यहाँ पर लेकर आएँ, तो ये एक तरीके से प्लानिंग बनानी चाहिए ये इसको एक फुल यूटिलाइजेशन के लिए। लैंड रिसोर्सेज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारे प्लेन्स हैं, माउंटेन है, प्लेट्यू है, हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करती हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं, जो भी आप इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ करते हैं वो आप सभी लैंड पर करते हैं, डिफरेंट वेज से करते हैं। नेचुरल रिसोर्सेज आप यूटिलाइज करते हैं, सभी इंपॉर्टेंट रहते हैं आपके लिए, नेचुरल वेजिटेशन, वाइल्ड लाइफ, ह्यूमन लाइफ, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन सिस्टम्स, सभी आपके लैंड रिसोर्सेज से मिलते हैं क्योंकि लैंड से जुड़े हुए हैं वो। आपके प्लेन्स हैं 43% इंडिया में, माउंटेन्स है 30%, 27% आपके आपके प्लेट्यू मिलते हैं। इंडियन कॉन्टेक्स्ट की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो ये रिलीफ फीचर्स मिलते हैं,
इनको कैसे यूटिलाइज करें, कैसे लैंड का रिसोर्सेज हम यूटिलाइज करें, वो डिपेंड करता है। अभी लैंड का यूटिलाइजेशन किस तरीके से करें, हम फॉलोइंग पर्पजेज हैं हमारे फॉरेस्ट के लिए करते हैं। फॉरेस्ट में आप कुछ भी उसका यूटिलाइज कर रहे हैं, हम लकड़ियां ले रहे हैं, हम और कोई यूज कर रहे हैं फॉरेस्ट का, तो ये एक लैंड का यूटिलाइज हो रहा है। आपका जो लैंड है वो अवेलेबल नहीं है कल्टीवेशन के लिए, बिल्कुल भी अप्रोप्रिएट नहीं है, जैसे कि बैरन है, वेस्टलैंड है, वो आपके लिए अप्रोप्रिएट नहीं होते, तो उसको भी हम डेवलप कर पाए। लैंड है जो कुछ नॉन एग्रीकल्चर यूजेज में, जैसे कि हमने बिल्डिंग्स वहाँ पर खड़ी कर दी, हमने रोड्स बना दिए, हमें फैक्ट्रीज बना दी, तो ये जो भी इनमरेस आपके एक्टिविटीज़ हैं ये भी आपका लैंड यूटिलाइजेशन हुआ। अभी नो अदर अनकल्टिवेटेड लैंड है, यानी कि एक्सक्लूडिंग फैलो लैंड, जो आपकी परमानेंट आपके ग्रेजिंग लैंड कहते हैं, जिसको हमें पशुचारण के लिए छोड़ दिया है, वो आपके कुछ लैंड है। लैंड अंडर जो आपके ट्री क्रॉप्स हैं, जैसे कि आपके नेट सोन एरिया है, उसके नहीं है, तो वो आपके कुछ रिसोर्सेज हैं। कल्चरल लेवल वेस्टलैंड मिलती है, जो आपके 5 साल तक उस पर खेती नहीं हुई है, तो वो आपका कल्चरल वेस्टलैंड होती है, उसका हमें यूटिलाइज करना चाहिए। फेलो लैंड है, करंटली है या अदर देन करंटली फेलो लैंड है, यानी कि उस पर 1 से 5 साल तक अभी तक कोई भी कल्चर एग्रीकल्चरल एक्टिविटी नहीं हुई, तो वह अदर देन करंट फैलो कही जा सकती है। नेट सोन एरिया की बात करें तो जहाँ पर हमने अभी अभी रिसेंटली एग्रीकल्चर की और वहाँ पर कुछ हम बेनिफिट उठा रहे हैं, तो वो आपका नेट सोन एरिया हुआ। तो ये अलग अलग यूटिलाइजेशन हमें करनी चाहिए उसके बिहाफ पे, उसके कैसा किया जा सके। अभी हमें जर्नली आप देख सकते हैं कि जो 1960 से लेकर 2014 या 15 सिनेरियो की बात करते हैं, तो यहाँ पर जो ये डायग्राम्स पाई डायग्राम्स आपको शोन हो रहे हैं, तो ये डायग्राम्स में एक चीज़ मेन है, जो ये आपका रीजन है, ये आपका जो कलर है, ये रीजन आपको इंडिकेट कर रहा है, क्या इंडिकेट कर रहा है, नेट सोन एरिया। तो नेट सोन एरिया ये जो आपका है, यहाँ पर आपको इंडेक्स में देख रहे होंगे, तो नेट सोन एरिया में आपका कुछ इंक्रीज डिक्रीज कुछ ना कुछ तो हर एक में कुछ ना कुछ मिलता है। अभी आपके ये फॉरेस्ट लैंड है, फॉरेस्ट लैंड में आपके यहाँ पर क्या था 18.11%, यहाँ पर आपके 23.3%, तो कुछ हमारा इंक्रीज हुआ। अगर हम यहाँ बात करें नेट सोन एरिया में, तो आपका 46.26 था, यहाँ पे 45.5 हुआ 2014 और 15 सिनेरियो। तो ये आपका चेंज होता रहता है, ये मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के द्वारा दिया गया है, आपका पूरा पूरा 100% का एक ग्राफ प्रोवाइड किया है। तो ये इस तरीके से हमें यूटिलाइज करना चाहिए, कौन सी किस तरीके से। लैंड डिग्रेडेशन की बात करते हैं दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आज के दिन बहुत ज़्यादा इसकी डिमांड है, तो हमें कंजर्वेशन कुछ मेजर्स रखने चाहिए, क्योंकि हमें 95% जो हमारी नीड्स हैं वो फूड, शेल्टर, क्लोथिंग्स या जो भी चीज़ें हैं वो आप भूमि से लेते हैं, लैंड से लेते हैं। तो लैंड जो भी आपके ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं, वो आप जैसे डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं, ओवर ग्रेजिंग कर रहे हैं, माइनिंग कर रहे हैं, या उसमें बहुत ज़्यादा डिग्रेड कर रहे हैं, तो ये एक हमारे लिए बड़ी समस्या है। तो मेन रीजंस की बात करें लैंड डिग्रेडेशन की, गुजरात की बात करें, राजस्थान की बात करें, महाराष्ट्र की बात करें, तो ये आपका ओवर ग्रेजिंग की वजह से हुआ, मतलब कि यहाँ पर अतिचारण हुआ, ओवर ग्रेजिंग हुआ, इस वजह से आपकी लैंड डिग्रेड हो गई। पंजाब हरियाणा या वेस्ट यूपी की बात करें, तो यहाँ पर इरिगेशन बहुत ज़्यादा हुए, इस वजह से लैंड डिग्रेड हुई। लैंड डिग्रेड होने की वजह ये थी क्योंकि आपकी वाटर लॉगिंग हुई, इसकी वजह से आपकी सैलिनिटी और एल्कलाइनिटी आपकी बढ़ गई, इंक्रीज हो गई। रिसेंटली हम बात करें इंडस्ट्रीज की वजह से, हमारे मेजर जो लैंड यूज हैं, लैंड रिसोर्सेज हैं, उनको वो खराब हो रहे हैं, क्योंकि आपके वाटर पोल्यूशन है। आप जो भी वाटर उसमें डालते हैं, जो भी आपका पानी खेत में देते हैं, तो वो पोल्यूटेड वाटर, तो पोल्यूटेड वाटर से आपकी लैंड पर भी असर हो रहा है। अभी हम सोयल एज ए रिसोर्सेज की बात करें, तो सोयल एज ए रिसोर्सेज में मोस्ट ऑफ इम्पोर्टेंट आपके रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स हम सोयल को रखते हैं, फॉर क्योंकि आपका टाइम टू टाइम आपकी सोयल्स है वो चेंज होती रहती है, आपके पहाड़ों से, नदियों से, आपके एलोवियल सोयल्स से लाते हैं, या आपकी जो भी है डेनुडेशन प्रोसेस, वेदरिंग प्रोसेस के साथ साथ ये चीज़ें आपकी चेंज होती रहती है। मीडियम है आपका प्लांट ग्रोथ के लिए, आपके जो मीडियम है वो आपका सोयल है, जिसके साथ
हम डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसको सपोर्ट करके हम यूटिलाइज कर पा रहे हैं। मिलियंस ईयर्स हो गए आपके सोइल है, वो सोइल के डेप्थ की डेप्थ आपकी मिलती है, डेप्थ एक प्रॉपर डेप्थ मिलती है क्योंकि आपकी टॉप सोइल लेयर होती है जो कि आपके ऊपर सोइल लेयर बोलते हैं, उसके नीचे कुछ होते हैं, फिर बाद में ये अलग अलग सोइल की लेयर्स होते हैं, ये प्रोफाइल में हमने मैच यहाँ पर दिखाई हुई है। तो सोइल को किस अकॉर्डिंग हम उसको किस फैक्टर्स के अकॉर्डिंग हमें उसे क्लासीफाई करते हैं, तो आपकी सोइल की फॉर्मेशन कैसी हुई, उसकी उद्भव कैसे हुआ, उसका कलर क्या है, उसकी थिकनेस क्या है, उसका टेक्सचर क्या है, उसकी एज क्या है, उसके आधार पर हम सोइल को क्लासीफाई करते हैं। क्लासीफाई की बात करें तो एलुवियल सोइल है जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि आपकी नॉर्थर्न जो प्लेन्स हैं आपकी यूपी हुआ, हरियाणा हुआ, पंजाब हुआ, यहाँ पर आपको देखने को मिलता है ये एलुवियल सोइल है। इसके डिपॉजिट आपके हिमालय के जो रिवर्स हैं, आपकी इंडस हुई, गंगा हुई, ब्रह्मपुत्रा हुई, इसकी वजह से आपकी एलुवियल सोइल टाइम टू टाइम आती रहती है। एलुवियल सोइल आपके लिए बहुत ही ज़्यादा प्रोपोर्शन होता है सैंड, सिल्ट और क्ले का, ये आपके लिए एक ग्रेन्स होते हैं, कंपोनेंट्स होते हैं जो आपके डिस्क्राइब करते हैं उसकी एज का। अभी अकॉर्डिंग टू बात करें तो कि एज के अकॉर्डिंग एलुवियल सोइल का भी क्लासिफिकेशन देखने को मिलता है, आपकी ओल्ड एलुवियल मिलती है जिसको हम बांगर बोलते हैं और न्यू एलुवियल तो इसको हम खादर बोलते हैं, खाद युक्त यानी खादर मीन्स खाद युक्त। बांगर जो आपकी देखने को मिलती है जैसे कि भिवानी बांगर आप कहते हैं हरियाणा में, तो भिवानी बांगर ये आपका ओल्ड एलुवियल है, यहाँ पे पहले कभी फ्लड का जो पानी था वो आता था लेकिन अभी नहीं आता, रिसेंटली नहीं आता, तो वो पुराने जो भी ओल्ड एलुवियल सोइल यहाँ पर देखने को मिलती है। खादर में आपकी न्यू एलुवियल सोइल देखने को मिलती है। एलुवियल सोइल की बात करें ये बहुत ज़्यादा फर्टाइल होती है, बहुत ज़्यादा हमारे लिए यूटिलाइज मिलती है, इस टाइप की आपको देखने को मिलती है। और यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो भी आपकी शुगर केन, पैडी, व्हीट, जो भी आपकी पल्सिस क्रॉप्स हैं वो बहुत ज़्यादा उगाई जाती हैं। यहाँ पर अगर बात करें पोटास, फॉस्फोरस, फॉस्फोरिक एसिड, लाइम की अधिकता होती है इसमें, जिसकी वजह से आपकी ये एडिक्यूट प्रोपोर्शन देखने को मिलते हैं इस सोइल में। ब्लैक सोइल की बात करें तो एक जनरली आपकी ब्लैक इन नेचर होती है, ब्लैक इन कलर होती है, इसको हम रेगुर सोइल भी कहते हैं। डेक्कन ट्रैप जो आपका बेसल्ट लावा है, बेसल्ट लावा में ये देखने को मिलता है, नॉर्थ वेस्टर्न जो डेक्कन प्लेट्यू है वहाँ पर आपको लावा के स्प्रेड की वजह से ये सोइल बनती है। इन एडिशनल बात करें तो इसमें सोइल न्यूट्रिशन से आपके इन्वॉल्व होते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटास और लाइम, ये आपके देखने को मिलते हैं। यहाँ पर जनरली आपके फॉस्फोरिक कंटेंट्स होते हैं वो उनकी कमी देखने को मिलती है ब्लैक सोइल में। रेड और येलो सोइल की बात करें तो रेड और येलो सोइल क्रिस्टलाइन इग्नियस टाइप की होती है, ये आपकी लो रेनफॉल की वजह से होती है, ईस्टर्न साउथर्न पार्ट में आपका देखने को मिलती है, डक्कन प्लेट्यू में ये सोइल डेवलप होती है, रेडिश कलर की डिफ्यूजन ऑफ आयरन, क्रिस्टलाइन रवेदार यानी मेटामॉर्फिक उसमें चेंजमेंट हो जाता है, इस वजह से ये डेवलप होती है। लैटराइट सोइल की बात करें, लैटराइट मींस आपकी ब्रिक जो ईंट कहते हैं इसको हिंदी में, तो आपकी लैटराइट आपकी ब्रिक के रूप में दिखती है। लैटराइट सोइल जब डेवलप होती है जबकि आपकी उसमें लीचिंग प्रोसेस होती है ड्यू टू हैविंग रेन, आपकी ज़्यादा वर्षा वहाँ पर होती है तो इसकी वजह से आपकी लीचिंग प्रोसेस हो जाती है, इस वजह से लैटराइट सोइल बनती है। ये ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट्स में बनती है वेट और ड्राई सीजन में। लैटराइट सोइल में मोस्टली आपको देखने को मिलता है डीप और वेरी डीप एसिडिक पीएच स्केल होता है वो ज़्यादा मिलता है। एरिड सोइल की बात करें, एरिड सोइल वो होती है जो कि आपके रेड और ब्राउन कलर की देखने को मिलती है, जनरली आपकी सैंडी इन टेक्सचर मिलती है, सेलाइन इन नेचर मिलती है, ड्राई क्लाइमेट मिलता है, हाई टेम्परेचर मिलता है, इवेपोरेशन देखने को मिलता है, फास्टर इन सोइल लैक्स मिलता है, उमस मिलती है, मॉइस्चर मिलता है, इस वजह से आपकी देखने को मिलती है। फॉरेस्ट सोइल की बात करें तो फॉरेस्ट सोइल आपकी जर्नली हिली एरियाज में मिलती है, माउंटेन्स में मिलती है, ये आपकी देखने को मिलती है। यहाँ पर रेन फॉरेस्ट जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा सफिशेंट अवेलेबल होते हैं, लोमी मिलती है सोइल आपकी, सिल्ट मिलती है, और ये वैली की जो साइड होती है वैली की साइड में आपको अपर स्लोप्स में भी देखने को मिलती है। फॉरेस्ट सोइल की बात करते हैं, अभी आपका जो मैप के थ्रू ये बात करें, ग्रीन कलर से आपके फॉरेस्ट माउंटेनियस सोइल को रिप्रेजेंट किया हुआ है, या आपके लाइट ग्रीन की बात करें एलुवियल सोइल को, ये अलग अलग डिफरेंस आपका किया हुआ है। तो सबसे ज़्यादा आपकी सोइल क्या है तो आपके एलुवियल सोइल देखने को मिलता है इंडियन कॉन्टेक्स्ट में, ये आपको देखने को इसमें मेजर सोइल टाइप्स देखने को मिलती हैं इस मैप के थ्रू।
अभी आपकी कंडीशन होती है सोइल इरोजन या सोइल कंजर्वेशन की, आपकी सोइल इरोजन बहुत होता है पानी की अधिकता की वजह से, आपकी रिवर्स की फ्लड की वजह से सोइल का इरोजन होता है। तो एक तो सोइल का इरोजन गुली इरोजन होता है, जो गुली इरोजन होता है ये आपकी चलता हुआ पानी है जो रनिंग वाटर है वो कट करता है आपकी सोइल को, और वो एक चैनल्स में, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं ये चैनल्स में चल पड़ा है, ये पानी यहाँ से चैनल्स में हो गया, तो ये आपके गुली इरोजन का एग्जाम्पल देखने को मिलता है। अगर पूरी की पूरी लेयर को ही हम वॉश कर दें तो वो आपका सीट इरोजन देखने को मिलता है। तो ये जो आपका, हम सबसे पहले आपका अर्थ प्लेनेट की बात करते हैं, तो अर्थ प्लेनेट आपके अकेले से नहीं बना है, इसमें बहुत से मिलियंस ऑफ लिविंग बींग्स आपके शेयर करते हैं इस प्लेनेट में। उसमें स्टार्टिंग होती है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरियाज या बनियन ट्रीज, आपके एलिफेंट और ब्लू व्हेल्स, मतलब कि आपके फ्लोरा एंड फौना बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है अर्थ प्लेनेट पर। एंटायर जो हैबिटेट है वो आपका पूरा का पूरा एक साथ रहता है, वो एक बायोडाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा उस एनवायरनमेंट में मिलती है। आपके अर्थ पर बहुत ज़्यादा हाई डाइवर्सिटी मिलती है, बायोडाइवर्सिटी मिलती है, आप उसमें एक पार्ट है। आपकी जो भी लिविंग बींग्स हैं, ह्यूमंस हैं, वो आप सभी एक साथ रह रहे हैं, तो कॉम्प्लेक्स वेब है, इकोलॉजिकल सिस्टम्स हम मेंटेन करते हैं उसमें एक कॉम्प्लेक्स, संगठित रूप से हम इकट्ठा रहते हैं। अगर आपकी बात करें इंडिविजुअल की, तो आप एक पार्ट हैं उस पूरी इकोसिस्टम का, उस पूरे बायोडाइवर्सिटी में एक आप पार्ट हैं। आप जो कि आप हैं वो आप किसी पर डिपेंड करते हैं, किसी सिस्टम या उस पर आप एक्सिस्टेंस रखते हैं, आप डिपेंड हरदम, आप कुछ भी चीज़ आपकी नीड्स हैं वो आप दूसरों से फुलफिल करते हैं, आप किसी भी चीज़ को लेकर चलें आपकी नीड्स हैं वो दूसरों पर निर्भर रहती हैं। ठीक है, अभी हम फ्लोरा एंड फाना इंडिया की बात करें, तो इंडिया आपका वर्ल्ड रिचेस्ट कंट्री देखने को मिलता है, जिसमें आपका बायोलॉजिकली डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा मिलती है। वो इस वजह से मिलती है क्योंकि आपकी कहीं पर आपके माउंटेंस मिलते हैं, कहीं पर आपके डेजर्ट मिलते हैं, कहीं पर आपके प्लेन्स मिलते हैं, कहीं पर आपका प्लेटिव पार्ट है, कहीं कोस्टल पार्ट है, कहीं वेटलैंड्स हैं, तो ये इसी वजह से आपके बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी ज़्यादा देखने को मिलती है इंडियन कॉन्टेक्स्ट में। आपके जो आसपास अगर आप देखेंगे जिस भी रीजन में आप रह रहे हैं, तो उस जगह पर एक से कुछ एनिमल्स और कुछ प्लांट्स हैं वो यूनिक होंगे। यूनिक इस वजह से होंगे क्योंकि आपकी जो भी जिस भी जगह में जिस ही रीजन में रह रहे हैं उस रीजन का कुछ स्पेसिफिक होगा, स्पेसिफिक क्लाइमेट होगा, स्पेसिफिक आपके वहाँ पर पोजिशंस होंगे, उसके आधार पर आपके वो चीज़ें बनती हैं। ओके, जो इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन एंड ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, IUCN जिसको बोलते हैं, उसने कुछ क्लासिफाई किया है स्पीसीज़ को, तो स्पीसीज़ को सिक्स कैटेगरीज में क्लासिफाई किया है, नॉर्मल स्पीसीज, एंडेंजर्ड स्पीसीज, वुलरेबल स्पीसीज, रेयर स्पीसीज, एनेडेमिक स्पीसीज, एक्सटिंक्ट स्पीसीज, इनको हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले नॉर्मल स्पीसीज़ की बात करते हैं। नॉर्मल स्पीसीज़ आपकी वो स्पीसीज़ होती हैं जो कि आपकी पॉपुलेशन है वो आपका इजीली आपके साथ सर्वाइव कर रही है, जैसे कैटल हैं आपका, तो ये इजीली आपके साथ घुल मिलकर काम कर रही है, इसमें कोई भी आपको परेशानी नहीं है, नहीं ही उनको कोई परेशानी है। ठीक है, तो ये नॉर्मल स्पीसीज़ में आती है। एंडेंजर्ड स्पीसीज़ की बात करें, तो एंडेंजर्ड स्पीसीज़ वो स्पीसीज़ होती हैं जिनको आज खतरा है, डेंजर है एक्सटेंशन का, वो इस वजह से क्योंकि हमें उनकी ज़्यादा ज़रूरत थी इसलिए हमें उनको नुकसान ज़्यादा पहुँचा है। इंडियन राइनोज की, लायंस की बात करें, तो ये आज के दिन एंडेंजर्ड स्पीसीज में आते हैं क्योंकि हमने ज़्यादा इनको नुकसान पहुँचा है। इंडियन राइनोज से हमें मेडिसिन यूज़ करना था, तो इस वजह से ये चीज़ें, उनकी स्किन का यूज़ किया, उनके हॉर्न का यूज़ किया, तो ये अलग अलग देखने को मिलता है, इस वजह से एंडेंजर्ड स्पीसीज में ये आते हैं। वल्नरेबल स्पीसीज़ की बात करें, तो वल्नरेबल स्पीसीज़ वो होती हैं जो आज के दिन डिक्लाइन देखने को मिलता है, रिसेंटली एक बहुत ज़्यादा हाई डिक्लाइन मिलता है, ये आपके नियर बाय जो फ्यूचर आएगा उसमें नेगेटिव इम्पैक्ट की वजह से आपके एंडेंजर्ड स्पीसीज़ में भी कैलकुलेट हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल एशियाटिक एलिफेंट, गंगेटिक डोल्फिन, ये आपके इसके वल्नरेबल स्पीसीज़ के एग्जाम्पल देखने को मिलते हैं। अभी हम रेयर स्पीसीज़ की बात करें, तो रेयर स्पीसीज़ के वो स्पीसीज़ होती हैं जो इनका कुछ कुछ स्मॉल पॉपुलेशन देखने को मिलती है, बहुत कम देखने को मिलती हैं, वो आपके कहीं कहीं जगह पर देखने को मिलती है, वो आज के दिन नेगेटिव फैक्टर्स उन पर चल रहे हैं, इस वजह से रेयरेस्ट चांसेस हैं कि कहीं पर मिल जाए।
हिमालयन ब्राउन बियर की बात करें, वाइल्ड एशियाटिक बफेलो की बात करें, डेजर्ट फॉक्स की बात करें, हॉर्नबिल की बात करें, ये आपके रेयर स्पीसीज में कैलकुलेट होती हैं, एग्जाम्पल इनके हैं। एंडेमिक स्पीसीज की बात करें तो एंडेमिक स्पीसीज वो स्पीसीज होती हैं जो आपकी किसी पर्टिकुलर जगह पर, पर्टिकुलर एरिया पर रहती हैं आइसोलेट रहकर। उनको कोई ना कोई नेचुरल या ज्योग्राफिकल बैरियर्स होते हैं कि वो दूसरी जगह पर नहीं जा सकती। फॉर एग्जाम्पल आपका अंडमान का टील है, निकोबार का पीजन है, वो उसी अंडमान निकोबार पर ही रहते हैं, उसी फैक्टर्स में, उसी क्लाइमेट में रहते हैं, क्योंकि उनके कुछ बैरियर्स हैं, नेचुरल और ज्योग्राफिकल बैरियर्स। कोई ह्यूमन बैरियर वहाँ पर नहीं रहता। ठीक है, एक्सटिंक्ट स्पीसीज की बात करें तो ये आपके देखने पर भी नहीं मिलती, आज के दिन आपकी देखने पर भी नहीं मिलती, क्योंकि हमने इनको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाया है। आज के दिन आपके बहुत ज़्यादा इन पर नेगेटिव फैक्टर्स अफेक्ट किए, जिसकी वजह से ये आज के दिन नहीं मिलती। एशियाटिक चीता की बात करें तो आज के दिन नहीं मिलता, ये आपका एक्सटेंड स्पीसीज का एग्जाम्पल देखने को मिलता है। अभी कुछ नेगेटिव फैक्टर्स हैं जो आपके आज के दिन इनको फ्लोरा और फाना को डिप्लीट करने में चल रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल आप कुछ डायरेक्टली लेते हैं, डायरेक्टली आपका कुछ, इनडायरेक्टली आपका फॉरेस्ट से, वाइल्ड लाइफ से आप कुछ लेते हैं, ऑब्टेन करते हैं, जैसे वुड हुआ, लीव्स हुआ, रबर हुआ, मेडिसिन हुई, फूड हुई, फ्यूल हुआ, फोडर, मैन्योर, जो भी आपकी नीड्स हैं वो आप किससे फुलफिल करते हैं, फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ, ये दो ही आपके कंपोनेंट हैं। तो आपका 1951 और 1980 के कॉन्टेक्स्ट की बात करें तो फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया ने अभी डाटा दो दिया था, वो आपका उसमें ये बताया कि 26,200 स्क्वायर किलोमीटर, 26,200 स्क्वायर किलोमीटर जो फॉरेस्ट एरिया है उसको कन्वर्ट कर दिया गया एग्रीकल्चर लैंड में, क्योंकि हमें ज़रूरत थी उस चीज़ की। हमें एग्रीकल्चर लैंड इसलिए बनानी है क्योंकि हमें प्रोडक्शन बढ़ाना है, आमदनी बढ़ानी है, इस वजह से हमने फॉरेस्ट एरिया क्लीन कर दिया। सब आपकी अदर बात करें ट्राइबल बेल्ट्स की, तो ट्राइबल बेल्ट्स में भी ये सिनेरियो मिलता है। नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया की बात करें या सेंट्रल इंडिया की बात करें तो वहाँ भी डिफॉरेस्टेशन देखने को मिलता है। आपके कुछ शिफ्टिंग कल्टिवेशन से वहाँ पर लगाई गई, स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर का ट्रेंड चला, तो इसकी वजह से भी आपकी फ्लोरा और फाना को बहुत ज़्यादा इफेक्ट आज के दिन देखने को मिलता है। आज आपके जो फॉरेस्ट हैं उनको जला दिया जाता है, उनको पेड़ काट कर और फिर जला दिया जाता है और एग्रीकल्चर लैंड में हम कन्वर्ट कर लेते हैं। किसी जगह को हम वहाँ पे क्लीन करके और वहाँ पे अच्छे अच्छे मल्टीनेशनल कंपनीज बनानी है, मल्टीनेशनल बिल्डिंग बनानी है, आपकी मॉल बनानी है, कंस्ट्रक्शन कार्य करना है, तो कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए हमने वो पूरे पूरे एरिया क्लीन कर दिए। हमें खाने की ज़रूरत ज़्यादा है, इस वजह से हम दिन रात अपना कार्य करते रहते हैं पेड़ों को नुकसान पहुँचाने, फ्लोरा और फौना को नुकसान पहुँचाने का। आज आपको बिल्डिंग्स बनानी है, उनमें अच्छा फर्नीचर यूज़ करना है, इस वजह से हमने पेड़ काट दिए। आज आप ये सोच लिए कि आपने ये चीज़ इसलिए की क्योंकि आपको नीड थी। क्या आपको जो भी आपके यहाँ पर और कंपोनेंट्स हैं, आपके बर्ड्स हैं, एनिमल्स हैं, उनको ज़रूरत नहीं है? आज के बर्ड्स कहाँ पर रहेंगे, तो ज़रा सोचिए एनिमल्स कहाँ रहेंगे, तो इनको भी आप सोच के चलें, अपने अपना स्वार्थ ना देखें। दोस्तों ये बहुत ज़्यादा आज के दिन देखने को मिलता है आपकी नीड्स को फुलफिल करने के लिए। आपका 1951 की बात करूँ तो 1951 में आपका 5000 स्क्वायर किलोमीटर फॉरेस्ट हैं वो क्लीन किए गए क्योंकि हमें रिवर वैली प्रोजेक्ट बनाना था। आज के दिन आपके जो नर्मदा सागर प्रोजेक्ट है वो बनाना था मध्य प्रदेश में, इसलिए हमने 40,000 हेक्टेयर फॉरेस्ट क्लीन कर दिया क्योंकि हमें नर्मदा सागर प्रोजेक्ट बनाना है, माइनिंग करनी है, हमें मिनरल्स निकालने हैं वहाँ से। तो मिनरल्स निकालने के लिए हमने क्या किया, डिफॉरेस्टेशन किया, उसमें जो पेड़ थे वो काट दिए और उससे माइनिंग किए, वहाँ से मिनरल्स निकाले, लेकिन दोबारा हम लगाने की नहीं सोचते। आज के दिन हैबिटाट है उसको डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, हंटिंग कर रहे हैं हम, वहाँ पर एनवायरनमेंट को पोल्यूट कर रहे हैं, वो आपके फॉरेस्ट को फायर हो रही है, ये कुछ फैक्टर्स हैं जो आज के दिन इंडिया की जो भी बायोडाइवर्सिटी है वो डिक्लाइन होनी होती देख रही है। आप क्या जानते हैं कि आपका इंडिया का कॉन्टेक्स्ट की बात करें तो नेचुरल जो फॉरेस्ट हैं वो हाफ आपके नहीं रहे, 1/3 आपके वेटलैंड्स हैं वो नहीं रहे, 70% आपके सरफेस वाटर बॉडीज हैं वो पोल्यूटेड हैं, 40% आपके मैंग्रोव हैं वो वाइप्ड आउट हैं, वो नहीं है। तो ये आपकी किसकी वजह से हुई, क्योंकि आपने उनको ज़्यादा नुकसान पहुँचाया। आज के कॉन्टेक्स्ट की बात करें तो आपका कोरोना वायरस की वजह से आज आप घर पर हैं, आज आपके सराउंडिंग में अच्छी चहचहाहट मिलती है,
आज आपके एनवायरनमेंट अच्छा है, क्लीन है, गंगा रिवर आपकी क्लीन देखने को मिलती है, आपका एनवायरनमेंट है, पोल्यूशन लेवल आपका डिक्रीज हो चुका है, क्योंकि आज हम नुकसान उनको पहुँचा रहे हैं। दोस्तों ये मुद्दा है सबसे बड़ा। कंजर्वेशन के लिए, फॉरेस्ट को और वाइल्ड लाइफ को बचाने के लिए हमने बहुत से काम किए, वाटर और एयर और सोइल को बचाने के लिए, इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी को प्रिजर्व करने के लिए, कंजर्व करने के लिए हमने बहुत से काम किए। फॉर एग्जांपल आपके इंडियन वाइल्ड लाइफ एक्ट है 1972 में हमने इम्प्लीमेंट किया, सेंट्रल गवर्नमेंट ने बहुत से आपके प्रोजेक्ट्स हैं वो अनाउंस किए ताकि जो भी एनिमल्स हैं, जो भी आपके एनिमल्स हैं, जो भी आपके वहाँ की स्पीसीज है उसको बचाया जा सके। आपके टाइगर हैं, वन हॉर्न राइनोज हैं, एशियाटिक लायंस हैं, इनको बचाने के लिए आज गवर्नमेंट प्रयास कर रही है, लेकिन आपको उसके पैसे ज़्यादा मिलते हैं, इस वजह से हम हंटिंग करते हैं, ये एक फॉल्ट है। प्रोजेक्ट टाइगर की बात करें तो प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में आया, वो इस वजह से आया क्योंकि आपकी जो टाइगर पॉपुलेशन है वो डेली टाइम टू टाइम आपकी डिप्लीट होती देख सकते हैं। आपकी 55,000 से आपकी 1,827 आपकी पॉपुलेशन रह गई है। ये किस वजह से हुआ? क्योंकि हमें आपके ट्रेड करना है, टाइगर की स्किन बेचनी है, उसकी बोन्स ट्रेडिशनल मेडिसिन बनानी है, इस वजह से हमें यहाँ प्रोजेक्ट टाइगर लाना पड़ा, क्योंकि इसकी जो पॉपुलेशन है वो दिन रात घटती देख रहे हैं। कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड, वेस्ट बंगाल, मध्य प्रदेश, राजस्थान, असम, केरला में बहुत से आपके टाइगर रिजर्व्स बनाएं क्योंकि हम इनको बचा सकें। तो ये आज के दिन जो भी आपके स्पीसीज हैं वो आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं, इनको समझने का ज़रूरत है। बस टाइप्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को, तो आपके तीन तरीके से, तीन टाइप से क्लासीफाई किया जाता है कैटेगरीज में आपके फॉरेस्ट को। तो वो फॉरेस्ट एक आपका रिजर्व फॉरेस्ट, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, अनक्लास्ड फॉरेस्ट। रिजर्व फॉरेस्ट की बात करें तो ये आपके जो भी टोटल फॉरेस्ट है उनका हाफ पार्ट आपका रिजर्व फॉरेस्ट में रहता है। रिजर्व है मतलब कि इस पे सेंट्रल गवर्नमेंट का आपका अधिकार है, इसमें किसी भी पर्सन की एंट्री मना है, यहाँ पे कोई भी एक्टिविटीज आप नहीं कर सकते। प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट की बात करें तो ये भी आपकी 1/3 जो टोटल एरिया है फॉरेस्ट का वो मिलता है, ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अंडर आता है, डिक्लेयर किया जाता है, ये भी इस रीजन में भी आपकी जाना मना है। दोनों जो रिजर्व फॉरेस्ट और प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट हैं, इस पर आपकी परमानेंट फॉरेस्ट हैं और इन पर सेंट्रल गवर्नमेंट का या गवर्नमेंट का, स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट का आपका अधिकार होता है। अनक्लास्ड फॉरेस्ट की बात करें तो ये फॉरेस्ट वो होते हैं जिसपे आपका गवर्नमेंट का भी, प्राइवेट इंडिविजुअल का भी और कम्युनिटी का भी हिस्सा होता है, उस पर भागीदारी होती है, तो ये अनक्लास्ड फॉरेस्ट होते हैं जो आपके गाँव ग्रामीण इलाके में देखने को मिलते हैं, ये अनक्लास्ड फॉरेस्ट मिलते हैं। ठीक है, होप आपको डाउट क्लियर हुआ होगा। अब कुछ कम्युनिटीज़ हैं जो कि आपकी कंजर्व कर रही हैं आपके फ्लोरा और फाना को। फॉर एग्जांपल आपका चिपको मूवमेंट है, वो बहुत ज़्यादा फेमस हुआ क्योंकि हिमालय रीजन में बहुत ज़्यादा डिफॉरेस्टेशन हुआ, किस वजह से? हमें उन पेड़ों की ज़रूरत थी, इस वजह से हमने काटे। तो काटे अफॉरेस्टेशन की हमें अगर वहाँ पे हो रही है तो हमें भी नुकसान कभी ना कभी पहुँचेगा, क्योंकि एक फूड चेन है, वो फूड चेन इफेक्ट होगी। तो चिपको मूवमेंट बनाया, इसमें जो भी ग्रामीण इलाके के लोग थे वो उन पेड़ों को चिपक के और पेड़ों को बचाया, तो ये चिपको मूवमेंट काफ़ी इंटरेस्टिंग है, इसकी वजह से आपके पेड़ बचे, डिफॉरेस्टेशन रुका। अगर हम बात करें राजस्थान के अलवर डिस्ट्रिक्ट की, तो यहाँ पर 1200 हेक्टेयर भूमि है, वो सोनसरी या भैरोदेव ढाकव के नाम से आपका फॉरेस्ट बनाया गया, जिसमें कोई भी हंटिंग वर्क है वो नहीं किया जाएगा, वहाँ पर कोई भी और जो भी वाइल्ड लाइफ को इफेक्ट नहीं किया जाएगा, वहाँ पे प्रोटेक्ट किया जाएगा। प्रोटेक्ट के लिए ये किया गए दोनों काम, तो कम्युनिटी और कंजर्वेशन के लिए आज ज़रूरत है, इस वजह से हमें करना चाहिए। तो दोस्तों ये हमारी बेसिक नेसेसिटी की बात है कि अगर हम किसी चीज़ को आज आप फूड चेन के एक पार्ट को अगर इफेक्ट करेंगे तो दूसरे दिन आप भी उससे इफेक्ट होंगे, ये आप सोच के बैठते हैं कि हमें क्या प्रॉब्लम होगी, लेकिन वो फूड चेन में कभी ना कभी आपको भी नुकसान उससे होगा। तो इस वीडियो में आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग इस रिगार्डिंग जो भी क्वेश्चंस हैं उनको सॉर्ट आउट करने का प्रयास करेंगे। तो आप मेरे साथ लास्ट तक बने रहें, इस चैप्टर को हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले वाटर रिसोर्सेज की बात करें तो वाटर रिसोर्सेज आपके 3/4 आपके अर्थ सर्फेस पे देखने को मिलते हैं, वाटर कन्वर्ट आप कवर्ड मिलता है, तो ये 3/4 जो भाग है अर्थ सर्फेस पे वो आपका वाटर से कवर रहता है, लेकिन स्मॉल प्रोपोर्शन, बहुत ही कम जो
अमाउंट है, प्रोपोर्शन है, वो आपका फ्रेश वाटर में देखने को मिलता है। तो ये समस्या आज के दिन देखने को मिलती है कि फ्रेश वाटर आपका 3/4 में बहुत कम देखने को मिलता है। आगे आपको एक डायग्राम के थ्रू भी आपको डिस्कस करूँगा। फ्रेश वाटर है जो मेनली आपको मिलता है वो आपके रिवर्स के थ्रू मिलता है, सरफेस रन ऑफ से मिलता है, ग्राउंड वाटर से मिलता है। तो कंटिन्यू आपका रिन्यू होता रहता है, रिचार्ज होता रहता है, आपके हाइड्रोलॉजिकल साइकिल है वो चलती रहती है। तो वाटर रिसोर्सेज आपके ऐसा नहीं है कि आपका रिचार्ज होते रहते हैं, टाइम टू टाइम आपके रिन्यू होते रहते हैं। अभी आपका 2025 की बात करें तो ऐसा प्रिडिक्ट किया गया है कि 2 बिलियन पीपल्स हैं वो आपके एब्सोल्यूट वाटर स्कर्सिटी में रहेंगे। तो ये समस्या आज के दिन बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलती है कि वाटर के जो वाटर अवेलेबिलिटी है वो बहुत ही कम हो रही है, क्योंकि हम ज़्यादा पोल्यूट कर रहे हैं। अभी वाटर रिसोर्सेज की बात करें तो वाटर रिसोर्सेज में आपका ओनली फ्रेश वाटर 2.5% मिलता है, जो कि एंटायर आपकी 3/4 मिलता है जो आपका अर्थ का। अभी 2.5% में भी डिस्ट्रीब्यूशन मिलता है जो आपका ग्लेशियर्स में है 68.7%, ग्राउंड वाटर में 30% राउंड अबाउट, सरफेस या फ्रेश वाटर जो 1.2% ही देखने को मिलता है। अभी इस 1.2% में भी आपका डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिलता है जो आपका सरफेस वाटर या फ्रेश वाटर रहता है। इसमें ग्राउंड आइस से परमाफ्रॉस्ट भी देखने को मिलता है, जो आपकी आइस है उसमें कन्वर्ट रहता है तो उसको हम यूज़ नहीं कर सकते। लेक्स का वाटर 20.9% देखने में मिलता है, एटमॉस्फेयर में भी है, रिवर्स में भी है, आपका सोइल मॉइस्चर में भी है। तो रिवर्स में ओनली 0.49% आपका वाटर देखने को मिलता है अर्थ पे। तो ये आपकी कंडीशंस देखने को मिलती हैं, इस वजह से आपकी जो ये वाटर है ये वाटर आपका यूज़ अभी कर रहे हैं। तो ये वाटर पे ही हम निर्धारित रखते हैं अपने आप को। इस वजह से ये चीज़ें आज के दिन अगर हम नहीं समझे और इतना वाटर को हम डिस्ट्रीब्यूट या इसको पोल्यूट करते रहे तो ये समस्या बनेगी आगे आने वाले समय में। अभी वाटर स्कैर्सिटी की बात करें तो हमें वाटर स्कैर्सिटी के लिए कुछ कंजर्वेशन की भी ज़रूरत है, कुछ मैनेजमेंट की भी ज़रूरत है, क्योंकि टाइम टू टाइम आपके जो ये वाटर रिसोर्सेज हैं वो डिप्लीट होते रहे। क्योंकि आज के दिन आप देख सकते हैं कि लो रेनफॉल है आपकी यहाँ पर। तो लो रेनफॉल इस वजह से, क्योंकि आपकी जो आप लो रेनफॉल की वजह से आप ये कहते हैं कि वाटर की शॉर्टेज हो रही है, ये आपके सुनने को में आता है। लेकिन वाटर रिसोर्सेज हैं वो आपके स्पेस और टाइम में वेरी करते हैं, उसकी अवेलेबिलिटी आपकी स्पेस एंड टाइम में वेरी करती है। फॉर एग्जाम्पल आपके मेनली आपका सीजनेबल और एनुअल जो प्रेसिपिटेशन है, आपकी रेनफॉल कितनी होती है उस पर आपका ज़्यादातर अवेलेबिलिटी डिपेंड करती है। लेकिन वाटर स्कैर्सिटी की बात करें तो वाटर स्कैर्सिटी वो चीज़ होती है जिसको हम ओवर एक्सप्लोशन करें, एक्सेसिव यूज़ करें, अनइक्वल एक्सेस करें वाटर रिसोर्सेज का, और डिफरेंट सोशल ग्रुप्स उसका यूज़ एक बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे करें, तो उससे आपके वाटर को पोल्यूट होगा और उसकी वजह से आप पीने योग्य पानी बहुत कम देखने को मिलता है। वाटर स्कैर्सिटी आज के दिन इस वजह से देखने को मिलती है क्योंकि आज के दिन आपकी लार्ज जो पॉपुलेशन है, लार्ज पॉपुलेशन है वो ग्रोइंग और पॉपुलेशन है, इस वजह से आपकी ग्रेटर डिमांड्स रहती हैं आपकी वाटर के रिगार्डिंग। इस वजह से अनइक्वल एक्सेस मिल पाता है किसी लोग को, किसी पर्सन को आपके ज़्यादा वाटर मिल जाता है, किसी पर्सन के पास कम वाटर पहुँच पाता है, ये कंडीशंस देखने को मिलती है। अभी स्कैर्सिटी की हम दिमाग में एक ही बात आती है कि राजस्थान, गुजरात, आंध्र प्रदेश ऐसे कुछ रीजन्स हैं जिनमें वाटर स्कैर्सिटी देखने को मिलती है। लेकिन आप लगभग हर एक ग्रामीण इलाके में वाटर स्कैर्सिटी देखने को मिलती है, वो वाटर आपका राउंड अबाउट वहाँ पर नहीं मिल पाता, प्रॉपर वहाँ पर नहीं मिल पाता। वो किस वजह से, क्योंकि पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया के बाद आपके इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, अर्बनाइजेशन हुआ, और भी आपने वास्ट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट की, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर्स क्रिएट किए, उसकी वजह से आपकी वाटर की डिमांड है वो वहाँ पर ज़्यादा बढ़ गई। अभी आपकी डे बाय डे है जो नंबर है इंडस्ट्रीज़ का वो डे बाय डे इंक्रीज होता जा रहा है, वहाँ पर फ्रेश वाटर की जो रिसोर्सेज हैं उनको यूज़ करने की जो क्षमता है वो बढ़ती जा रही है इस वजह से, और हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज है। एक लिमिटेड रिसोर्सेज में हम ज़्यादा एक्सेसिव यूज़ करेंगे तो उसकी स्कैर्सिटी नहीं होगी तो क्या होगा, तो वाटर स्कैर्सिटी इस वजह से देखने मिलती है। अभी आप बात करेंगे कि वो वाटर तो फिर बाद में यूज़ करके और फिर छोड़ देते हैं, लेकिन वो वाटर है उसकी क्वालिटी है वो बैड हो जाती है, वो आप पीने योग्य नहीं रहता, इस वजह से हम आज के दिन स्कैर्सिटी से जूझ रहे हैं। होप आप इस डाउट को क्लियर कर पाए होंगे, ऐसी आशा करता हूँ, और ये इमेजेस आपको प्रमाण दे रहे हैं कि ये चीज़ें होती हैं। अभी मल्टीपर्पजेज रिवर प्रोजेक्ट बनाए गए जो कि आपकी वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट के लिए बनाए गए। आर्कोलॉजिकल और हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स के अकॉर्डिंग हम बात करें तो एंशियंट टाइम में भी ऐसा नहीं है कि आज ही हम कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं डैम्स को, आज ही कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं कैनाल्स को, लेक्स को इरिगेशन के लिए।
लेकिन ये आपके पुराने समय से प्रैक्टिसेस चलती आ रही हैं, ये आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने शो ऑफ किया है कि पुराने समय में भी ऐसा होता था। अभी उसको भी आपके साथ डिस्कस करूंगा, अभी एक पिक्चर भी शो करूंगा। तो आज के दिन आपके देखने को मिलता है कि हम डैम्स कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। डैम्स कंस्ट्रक्ट इसलिए नहीं कर रहे हैं कि इरीगेशन पहुँचानी है, हमें पानी पहुँचाना खेतों तक। हमें आज के दिन इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करनी है, वाटर सप्लाई हमारे डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल यूजेस के लिए पहुंचानी है, फ्लड कंट्रोल करना है, वहाँ इनलैंड नेविगेशन करना है, फिश ब्रीडिंग करना है, इसलिए हम डैम कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। ये आपको जानने को मिला कि आपके डैम किस लिए कंस्ट्रक्ट किए जा रहे हैं, इन यूज के लिए, ना कि इरिगेशन के लिए। ठीक है, मेन इनका रोल ये होता है। अब डैम्स की बात करें तो आपके एग्जांपल के थ्रू हम बात करें तो सतलुज ब्यास रिवर पे आपका भाखड़ा नंगल प्रोजेक्ट बनाया गया, इसमें हाइडल पावर प्रोडक्शन किया गया और इरिगेशन के लिए भी कुछ वाटर यूज किया गया, ये आपका मिलता है। अभी सिमिलरली हीराकुंड की बात करें तो हीराकुंड में महानदी बेसिन पे बनाया गया है, जो कि आपका वाटर है वो फ्लड कंट्रोल करने के लिए बनाया गया। तो ये डैम कंस्ट्रक्ट इस वजह से भी किए जा रहे हैं, ये चीज़ें आपकी मिलती हैं। अभी हम एनवायरमेंटल मूवमेंट्स की बात करें, एनवायरमेंटल मूवमेंट्स भी बहुत हुए कि इससे जो ये आपके डैम्स हैं इनको कंस्ट्रक्ट ना किया जाए। नर्मदा बचाओ आंदोलन, टहरी डैम आंदोलन, ये कुछ आंदोलन हुए लोकल कम्युनिटीज ने आपके ये काम किया। क्योंकि क्योंकि उसके पीछे एक रीज़न है कि ये जो डैम्स कंस्ट्रक्ट हो रहे हैं वो बहुत ही वास्ट एरिया होता है जिसमें हम वाटर स्टोर करते हैं। तो वाटर स्टोर करते हैं, इस वजह से जो भी उसकी जगह पर इनहेबिटेंट्स हैं उनको हम दूसरी जगह माइग्रेट करते हैं, जो चाहे वो पॉपुलेशन हो आपकी एनिमल्स की या फिर आप ह्यूमन की, तो उनको हम दूसरी जगह माइग्रेट करते हैं ताकि वो एरिया है वो यूज़ कर सकें। तो इसलिए उनको भी इनफेक्ट हमने किया। सागर सरदार सरोवर डैम की बात करें जो कि नर्मदा रिवर पे बनाया गया है गुजरात में, ये आपका लार्जेस्ट वाटर रिसोर्सेज प्रोजेक्ट में आपका इंडिया में आता है। इसमें 4 स्टेट्स हैं, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, इनको इन्फेक्ट किया गया और इनकी जो लैंड्स हैं वो बहुत ज़्यादा एक्सेसिव यूज़ किया गया। इनमें बहुत से गांवों को, बहुत से टाउन्स को एक तरीके से वहां से माइग्रेट किया गया ताकि वो कंस्ट्रक्शन किया जा सके। इसके लिए आपके जो नर्मदा बचाओ आंदोलन और टिहरी आंदोलन की बात की, इसके लिए बहुत ज़्यादा संघर्ष किया गया जो भी एनजीओज हैं उनके द्वारा, ताकि ये ना बने और यहाँ पर जो भी इनहेबिटेंट्स रह रहे हैं उनको नुकसान ना पहुँच पाए। आपके आज के दिन डैम्स हैं वो बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है, लगभग आपकी रिवर्स पे आपका डैम्स कंस्ट्रक्ट किए जा रहे हैं। तो ये कंडीशन आज के दिन बढ़ती रही है ताकि आप हाइडल पावर जनरेशन कर सकें, आप ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्रीज को डोमेस्टिक यूज़ करो, आप वाटर पहुंचा सकें, इसलिए कंस्ट्रक्ट किए गए। फ्लड को हम कंट्रोल कर सकें इसलिए कंस्ट्रक्ट किए गए। अभी फ्लड है वो हमने कंस्ट्रक्ट कर इसको रोकने के लिए कंस्ट्रक्ट किए, लेकिन दोस्तों ये क्या जानते हैं आप, जो भी हमने इतने बड़े ये कंस्ट्रक्शन किए, ये कंस्ट्रक्शन किसी समय ऐसा भी हो सकता है कि इसमें टेक्टोनिक एक्टिविटीज़ के थ्रू आपके ये डिस्ट्रॉय भी हो सकते हैं। ये टेक्टोनिक एक्टिविटीज़ इतनी होती हैं कि आपके जिन पर असर भी हो सकता है। आपकी सुनते होंगे कि जो आपका ये डैम मिलता है जो आपका हाईएस्ट रेंज पे मिलता है, ये भाखड़ा नांगल, तो भाखड़ा नांगल पे आप खुद भी वहाँ पर अगर टेक्टोनिक एक्टिविटीज़ का इंडेक्स देखेंगे तो बहुत हाई है। तो अगर ये अगर टूटा तो आपका जो भी रीजन है, यूपी, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, ये उत्तराखंड, ये हिमाचल वाला रीजन जो भी आपका ये इन्फेक्टेड है, ये पूरा पूरा रीजन डिस्ट्रॉय हो जाएगा, फ्लड आ जाएगी, ये पूरा पूरा जो ह्यूमन सेटलमेंट्स हैं और भी जो सेटलमेंट्स हैं वो डिस्ट्रॉय हो सकती हैं। ऐसा आयरनी आपकी इसकी बन सकती है, ये आपकी ट्रेजिडी के रूप में भी ले सकते हैं। क्योंकि ये ट्रेजिडी इसलिए कि आपका ये कंस्ट्रक्शन है ये बहुत ज़्यादा वास्ट अमाउंट ऑफ वाटर को एक साथ स्टोर करती है, वो स्टोर कर अगर एकदम रिलीज होगा एकदम आपका एक ये समझ सकते हैं कि ये जो आपकी इमेज है कितने स्पीड से आपका वाटर निकल रहा है। अगर ये दीवार भी टूटी तो ये वाटर एकदम इतने एक्सेसिव अमाउंट में आपका फ्लड कंस्ट्रक्ट कर सकता है, क्रिएट कर सकता है। तो ये कंडीशन आपकी मिलती हैं। अभी रेन वाटर हार्वेस्टिंग की बात करें आज के दिन, अभी डैम भी हम कंस्ट्रक्ट के लिए उसमें समस्या है, तो हम कैसे वाटर को रोक सकते हैं, वाटर को हार्वेस्ट कर सकते हैं। दोस्तों उसके लिए आपके पुराने ज़माने से कंडीशंस, आपकी सिचुएशन चल रही है। आज के दिन अगर बात करें तो राजस्थान में, आंध्र प्रदेश में ऐसी प्रैक्टिसेस चल रही हैं जो आपकी जो वाटर है आपके उनको हम या तो आपके सोइल में हम छोड़ देते हैं उसको पाइप के थ्रू, और वाटर रिचार्ज हो जाता है आपका पाइप के थ्रू।
और दूसरी कंडीशन हम ये करते हैं कि रिचार्ज करते हैं, आपने एक डग वेल क्रिएट कर लेते हैं और उससे आपका जो भी आपका ग्राउंड वाटर है उसको हम रिचार्ज कर सकें। ये वाटर जो हार्वेस्ट की कंडीशन है, ये मानसून में कंडीशंस में आपकी देखने को मिलती है, ताकि हम जो एक एक बूंद है हमें मिली है मानसून के थ्रू, उसको हम संजो के रख सकें और फ्यूचर में हमारे काम आ सकें। तो ये कंडीशंस आज के दिन देखने को मिलती हैं और रेन वाटर हार्वेस्टिंग हमें करनी चाहिए। अभी हम बात करें तो पुराने समय में भी ऐसी प्रैक्टिसेस चलती हैं जो हमने बात की आपकी पुराने समय में, तो ये कंडीशन आपकी जो भी आप किला देखने जाते हैं, फोर्ट देखने जाते हैं, तो वहाँ पर आपको ये मिलता है। दिल्ली में बहुत से आपके ये इस टाइप के बावड़ीज कहते हैं, बावड़ीज या आपके जो ये कंस्ट्रक्शन की क्रिएट की गई है, इस टाइप की देखने को मिलेंगी, ताकि वहाँ पर पानी स्टोर किया जाए, जल स्टोर किया जाए, वाटर स्टोर किया जाए। तो फिर फ्यूचर में जब भी इसके कंडीशन ऐसी आएंगी पानी नहीं हो, तो यहाँ से हम यूज़ कर सकते हैं, हमारी नीड्स हैं वो फुलफिल हो पाए। जैसलमेर राजस्थान की बात करें या फिर आपके हरियाणा में भी कुछ जगह पे आपकी ऐसी कुछ नेचुरल हम गड्ढा करके या फिर वहाँ पे स्टोर करते हैं वाटर, ताकि जब भी हमें समस्या हो तो हम इसका पानी का यूज़ कर सकें। और ये आपके झोड़स कहते हैं इसको राजस्थान हरियाणा में, ये कंडीशंस आपकी बनाई गई वहाँ पे, ये हिल और माउंटेनियस रीजन में भी कुछ ऐसी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए गए, ताकि वहाँ पर भी पुराने जब भी समस्या हो तो इस वाटर का प्रयोग किया जाए, यूज़ किया जा सके। अभी पुराने समय की बात करें, ओल्ड एंशियंट टाइम पे, तो बम्बूज के से भी हम इरीगेशन करते थे। तो बम्बूज से इरीगेशन ऐसे करते थे कि आपके जो पाइप है फनल टाइप के हैं, ये पाइप आपके से वाटर आता था और वाटर आपका जाकर और पेड़ के बिल्कुल पास में, पेड़ ये जैसे पेड़ आपका, और यहाँ पर वाटर पहुँच जाता था। ड्रिप सिस्टम जो आज मेंटेन करते हैं वो यहाँ पर होता रहता था और पानी मिलता रहता था पेड़ को। तो हमारी जो फ्लोरा और फाना है उसको भी जो नीड्स हैं उनके नीड्स हैं वो फुलफिल होती रहती थी, ऐसे प्रैक्टिस चलते रहते हैं। आज के दिन तो हम ट्यूबवेल सेट, पंप सेट या फिर और भी ड्रिप सिस्टम, बहुत से हम इंफ्रास्ट्रक्चर यूज़ कर रहे हैं, लेकिन आज के दिन हम एक बटन प्रेस करते हैं और हमारे पास वाटर की अवेलेबल हो जाता है, वाटर अवेलेबल 100% मिल जाता है, हमें कोई भी ऐसा कंडीशन नहीं मिलती कि हमारी कमी है वाटर की। लेकिन आने वाले समय में जो भी हमारी यंग जनरेशन है वो इसको फेस कर सकती हैं, ऐसा ये 100% पॉसिबिलिटी रहती है। तो दोस्तों आपसे एक ही लास्ट में निवेदन करता हूँ कि वाटर को रिजर्व करें और आप हार्वेस्टिंग को बढ़ावा दें, और जो भी आपके घरों में वाटर आता है अगर आपको नीड नहीं हो तो टैप को ऑफ कर दें, ताकि वो पानी बचे, रिगार्डिंग नॉलेज है वो एनहांस हो सके। चलिए शुरू करते हैं, एग्रीकल्चर की बात आए तो एग्रीकल्चर आपकी इंडिया के मामले में बहुत इंपॉर्टेंट कंट्री है, क्योंकि यहाँ पर 2/3 पॉपुलेशन है वो आपकी इंगेज है एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ में। एग्रीकल्चर एक प्राइमरी एक्टिविटी है जिसको हम प्रोड्यूस करते हैं, जो भी फसल है, फूड है, वो आप कंज्यूम भी कर लेते हैं, तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके जीवन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। फूड ग्रेन्स की बात करें तो आपके अकेले खाने से लेकर दूसरे प्रोडक्ट्स में भी काम आता है। फॉर एग्जांपल आपके रॉ मटेरियल है वो आपके वेरियस इंडस्ट्रीज का भी, आपका एग्रीकल्चर के जो भी आउटपुट है वो लिए जाते हैं, तो इंडस्ट्री को चलाने के लिए भी एग्रीकल्चर की बहुत ज़्यादा नीड है। तो ये आपका डिपेंड है एग्रीकल्चर पे इंडस्ट्री, ठीक है, होप आप समझ पाए होंगे। अभी टाइप्स ऑफ फार्मिंग की बात करें तो प्रीमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग का नाम आता है सबसे पहले, और ये बहुत ही छोटे खलियान स्मॉल पेचेज ऑफ लैंड में आपका ये प्रैक्टिसेस की जाती हैं, और प्रीमिटिव जो टूल्स हैं, जो भी आपके एंशियंट टाइम के जो टूल्स हैं उनका यूज़ करके, हो दो डिगिंग स्टिक्स के थ्रू, फैमिली और कम्युनिटी लेबर के थ्रू आपकी फार्मिंग की जाती है। इस फार्मिंग को ये फुली डिपेंड रहती है मानसून पे, नेचुरल फर्टिलिटी ऑफ सॉइल पे, और आपकी जो भी कंडीशंस हैं वो आपके टाइम टू टाइम आपका एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग चलती रहती है। तो ये पूरा पूरा आपका एनवायरनमेंट पे ही आधारित रहती है, इसमें कोई भी आपका जो भी एडवांस मेथड यूज़ नहीं किया जाता। स्लैश एंड बर्न जो एग्रीकल्चर है, जिसमें खेत हैं उसमें फसल लेने के बाद उसको जला दिया जाता है, और जब भी उसकी फर्टिलिटी है वो इंक्रीज हो जाती है, उसके बाद हम उस जगह पर फिर से एग्रीकल्चर करना शुरू कर देते हैं। तो ये प्रैक्टिसेस आपके बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। जूम की बात करें तो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में आपका जूम इसका नाम रखा जाता है, आपका दीपा बस्तर में रखा जाता है, अंडमान निकोबार में रखा जाता है, पमलाऊ आपका मणिपुर में रखा जाता है, यही स्लैश एंड बर्न का अलग अलग नाम से यहाँ पर रीजन्स के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। सेकंड की बात करें तो इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग आती है, इस फार्मिंग में आपका
प्रैक्टिसेस की जाती हैं वो हाई पॉपुलेशन प्रेशर के जो लैंड होती है वहाँ पे प्रैक्टिसेस की जाती हैं। लेबर है वो इंटेंसिव फार्मिंग में आपके हाई डोजेज प्रोवाइड की जाती हैं, बायोकेमिकल इनपुट्स हाई डोजेज प्रोवाइड की जाती हैं, और इरिगेशन का बहुत ही ज़्यादा आपका प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए यूज़ किया जाता है। अभी थर्ड की बात करते हैं तो कमर्शियल फार्मिंग आता है। तो कमर्शियल फार्मिंग वो फार्मिंग होती है जिसमें हम हाइयर डोजेज मॉडर्न इनपुट्स को इंक्लूड करते हैं। फॉर एग्जांपल हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स यूज़ किए, केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज़ किए, इंसेक्टिसाइड यूज़ किए, पेस्टिसाइड यूज़ किए, इस तरीके से आपके जो भी मॉडर्न इक्विपमेंट्स हैं वो आपके कमर्शियल फार्मिंग में ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल आपके राइस की बात की जाए तो कमर्शियली आपका क्रॉप है वो आपका हरियाणा में देखने को मिलता है राइस। तो ये होप आप थ्री टाइप की जो भी एग्रीकल्चर या फार्मिंग देखने को मिलती है वो आप समझ पाए होंगे। अभी क्रॉपिंग पैटर्न की बात करते हैं तो क्रॉपिंग पैटर्न आपका डिपेंड करता है उस जगह की कैसी फिजिकल डाइवर्सिटी के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है, क्योंकि कहीं आपका लैंड है वो आपकी बहुत ज़्यादा प्लेन्स मिलते हैं, कहीं आपकी माउंटेन्स मिलते हैं, कहीं प्लेटू मिलते हैं, कहीं कोस्टल प्लेन्स मिलते हैं। तो इस तरीके से आपके इंडिया में बहुत ही डाइवर्सिटीफाइड आपकी लैंड मिलती है, आपका फिजियोग्राफी डिवीज़न मिलता है, राइट। अभी इंडिया की कॉन्टेक्स्ट की बात करें तो थ्री क्रॉपिंग सीजन्स मिलते हैं, रबी, खरीफ एंड जायद। अभी एक एक को समझने का प्रयास करते हैं। रबी की बात करें तो ये विंटर में जो विंटर सीजन है सर्दी के समय आपके अक्टूबर और दिसंबर में आपका इसको सोन किया जाता है, इसको बोया जाता है और हार्वेस्ट कर लिया जाता है आपके समर्स में अप्रैल और जून के महीने में। कुछ इंपॉर्टेंट रबी क्रॉप्स की बात करें तो वीट, बार्ले, ग्राम मस्टर्ड आपकी देखने को मिलते हैं रीजन वाइज। खरीफ की बात करें तो खरीफ आपके ऑनसेट ऑफ मॉनसून पे बोया जाता है डिफरेंट पार्ट ऑफ कंट्री और हार्वेस्ट कर लिया जाता है आपकी सितंबर टू अक्टूबर। तो ये आपका पीरियड रहता है खरीफ सीजन। तो इम्पोर्टेंट क्रॉप्स की बात करें तो इसमें पैडी, मेज, ज्वार, बाजरा, ये आपके इम्पोर्टेंट क्रॉप्स रहती हैं। अभी हम बात आती है जैद। तो जैद आपका जो रहती है ये आपकी रबी और खरीफ के बीच में फसल देखने को मिलती है। रबी और खरीफ सीजन होता है उसके बीच में जो भी गैप रह जाता है, शॉर्ट सीजन रह जाता है, उसमें हम ये फसल उगाई जाती है, जैसे वाटरमेलन हुआ, कुकुम्बर हुआ, वेजिटेबल हुआ या फोडर हुआ, क्रॉप्स हुआ, जैसे जवार हुआ, ये आपकी क्रॉप्स उगा ली जाती हैं ताकि आपके इस टाइम को यूटिलाइज किया जा सके। होप आप समझ पाए होंगे थ्री टाइप्स ऑफ। अभी मेजर क्रॉप्स की बात करते हैं तो इंडिया में मेजर क्रॉप्स कौन कौन सी उनको हम आगे डिस्कस करेंगे। राइस की बात करें तो आपकी मेजोरिटी आपका फूड है वो राइस रहता है, मेजोरिटी ऑफ पॉपुलेशन का, पीपल का सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर भी हैं इस वर्ल्ड में। और खरीफ क्रॉप की बात करें तो इससे ये खरीफ क्रॉप है और हाई टेम्परेचर भी इसकी नीड है, 25 डिग्री सेल्सियस से अबो इसको टेम्परेचर की नीड है, हाई ह्यूमिडिटी होनी चाहिए, एनुअल रेनफॉल भी 100 सेंटीमीटर से अबो होनी चाहिए। लेस रेनफॉल की जगह पर अगर इरीगेशन फैसिलिटीज अच्छी हैं तो वहाँ पर उगाया जा सकता है। असम की बात करें, वेस्ट बंगाल और उड़ीसा में तो आपकी थ्री क्रॉप्स ऑफ पैडी उगाई जाती हैं, ग्रोन की जाती हैं इन ए ईयर, सिंगल ईयर की बात यहाँ पे कह रही हैं। तो अमन, ओस, बोरो, ये आपकी थ्री टाइप्स ऑफ राइस वैरायटी मिलती हैं, पैडी वैरायटी मिलती हैं। अभी आपका जो लैंड है ये आपका जो भी मेजर और जो माइनर एरिया है ये आपका पूरा का पूरा आपका पैडी का एरिया है। तो पैडी रीजन यहाँ पर उगाया जाता है, जो भी स्टेट्स पड़ते हैं इस रीजन में वो आप आइडेंटिफाई कर लें। अभी वीट की बात करते हैं तो वीट आपका नॉर्थ और नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट आपकी वैरायटी है, फूड है, ये 50-75 सेंटीमीटर एनुअल रेनफॉल में उगाया जा सकता है। इसको लिए आपकी रिक्वायरमेंट इनकी बात करें तो कूल एंड ग्रोइंग सीजन होना चाहिए, ब्राइट सनसेन होना चाहिए आपके हार्वेस्टिंग के टाइम या राइपनिंग के टाइम। तो जब भी आपका ये जो भी आपका वीट है जब टाइम पकने का आता है, राइपनिंग का टाइम आता है तो अच्छे से सनसाइन होना चाहिए। ये आपका जो रीजन है ये रीजन आपका पूरा का पूरा इस वीट रीजन कहा जा सकता है। तो वीट इस रीजन में उगाया जाता है। अभी मिलेट्स की बात करें तो मिलेट्स में आपका ज्वार, बाजरा, रागी इम्पोर्टेंट मिलेट्स हैं इंडिया में, जो इसकी रागी हुआ, ज्वार, बाजरा, ये आपकी इम्पोर्टेंट रहती हैं। ज्वार की बात करें तो ज्वार का जो प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं वो महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश। मेजर रागी प्रोड्यूसिंग स्टेट्स की बात करें तो कर्नाटका, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, झारखंड एंड अरुणाचल प्रदेश। बाजरा प्रोड्यूसिंग स्टेट्स की बात करें तो राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात एंड हरियाणा।
मेज़ की बात करते हैं तो मेज़ भी आपकी दोनों तरीके से यूज़ किया जाता है, आपके फूड एज वेल एज फोडर। तो ये खरीफ क्रॉप है और इसकी रिक्वायरमेंट है वो टेम्परेचर आपका 21 to 27 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, आपकी वेल ओल्ड एलोवेल सोइल में ये उगाया जाएगा। तो बांगर, जो बांगर है, बांगर रीजन्स में ज़्यादा मेज़ की प्रोडक्शन देखने को मिलता है ओल्ड एलुवियल सोइल में, ठीक है। तो मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट्स की बात करें तो कर्नाटका, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में आपका ये क्रॉप अच्छे से उगाई जाती है। पल्सिस की बात करें तो पल्सिस आपके लार्ज प्रोड्यूसर है इंडिया और कंज्यूमर भी है वर्ल्ड में। हम प्रोड्यूस भी बहुत अच्छा करते हैं और हम कंज्यूम भी बहुत अच्छा करते हैं इसके लिए, क्योंकि ये आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट रहता है और आपके लिए बहुत बॉडी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहती है। तो इसमें लेगुमिनियस क्रॉप्स है ये आपकी, और इसके अलावा ये नाइट्रोजन का फिक्सिंग का भी एक इम्पोर्टेंट सोर्स है, क्योंकि जब भी आपकी फर्टिलिटी है वो लैंड की डिक्रीज हो जाए तो आपकी अगर पल्सिस उगा दी जाएँ तो उसकी फर्टिलिटी ऑटोमेटिक आपकी इंक्रीज हो जाती है, और ये प्रैक्टिसेस आपके रोटेशन विद अदर क्रॉप्स के जरिए आपकी प्रैक्टिसेस इंडिया में देखी जा सकती हैं। मेजर पल्सिस के प्रोड्यूसिंग स्टेट्स की बात करें तो मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और कर्नाटका मिलते हैं। फूड क्रॉप्स और अदर जो ग्रेन्स हैं उनकी बात करें तो शुगर केन की बात करते हैं। तो शुगर केन है वो आपका 21 डिग्री सेल्सियस to 27 डिग्री सेल्सियस एनुअल आपका क्लाइमेट होना चाहिए, टेम्परेचर होना चाहिए। एनुअल रेनफॉल की बात करें तो 75 डिग्री सेंटीमीटर to 100 सेंटीमीटर आपका रेनफॉल होनी चाहिए। मेजर शुगरकेन प्रोड्यूसिंग स्टेट्स की बात करें तो उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, पंजाब एंड हरियाणा। ऑयल सीड्स की बात करें तो ऑयल सीड्स में आपका डिफरेंट ऑयल सीड्स देखने को मिलती है। 12% आपका जो टोटल क्रॉप्ड एरिया है उसमें उगाया जाता है आपका, और सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर भी हम ऑयल सीड्स के मामले में इंडिया है। मेन ऑयल सीड्स की बात करें तो आपके ग्राउंडनट, मस्टर्ड, कोकोनट, सीसम, सोयाबीन, कैस्टर सीड, कॉटन सीड, लिनसेड एंड सनफ्लावर आपके मिलते हैं। तो ये आपके ऑयल सीड्स से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है। टी की बात करें मतलब कि चाय, तो चाय आप ज़्यादातर पेरेंट्स आपके पीते होंगे या आप भी पीते होंगे, तो ये आपके बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन्स में क्लाइमेट में आपका ये प्लांट ईजिली ग्रो होता है। ये आपका वेल ड्रेन्ड, इसको सोइल की ज़रूरत है, फर्टाइल सोइल की ज़रूरत है, रिच इन ह्यूमस होना चाहिए, ऑर्गेनिक मैटर्स भी आपकी अच्छे होने चाहिए। रिक्वायरमेंट की बात करें तो वार्म एंड मोइस्ट आपका फ्रॉस्ट फ्री क्लाइमेट चाहिए ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर ईयर, ठीक है। जहाँ भी ये रीजन रहेंगे वहाँ पर ये फसल उगाई जाती है, टी उगाई जाती है। मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट्स की बात करें तो असम, दार्जिलिंग, जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, केरला में देखने को मिलता है। अपार्ट की बात करें तो हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और आपके मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, त्रिपुरा में भी आपका कंट्री में उगाया जाता है, लेकिन मेजरली आपका इन रीजन्स में ही उगाया जाता है, ठीक है। होप आप समझ पाए होंगे जो भी मैं कहना चाह रहा हूँ। कॉफ़ी की बात करें तो कॉफ़ी आपकी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और बाबा बुदीन की जो हिल्स हैं उनसे इनकी इंट्रोड्यूस हुआ है। इनिशियली ये माना जाता है कि बाबा बुदीन की हिल्स से ये इनिशिएट हुआ है, इनिशियली वहीं से ये इंट्रोड्यूस हुआ है। टोटल कल्टिवेशन की बात करें तो ये आपकी नीलगिरी इन कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु में कॉफ़ी का प्रोडक्शन अच्छा खासा होता है। हॉर्टिकल्चर की बात करें तो हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स है वो आपके ट्रॉपिकल इंडिया है वो आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर टेम्परेट फ्रूट्स हैं, ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट फ्रूट्स आपके अच्छे होते हैं। मैंगोज़ की बात करें तो मैंगो आपका महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश एंड वेस्ट बंगाल में अच्छा देखने को मिलता है। ऑरेंजेस आपके जो संतरे हैं वो आप जानते होंगे फेमस भी है, नागपुर के जो संतरे हैं वो बहुत ही फेमस हैं। बनाना की बात करें तो केरला, मिजोरम, महाराष्ट्र, तमिलनाडु में मिलता है ज़्यादा प्रोड्यूसिंग, और लीची गुआवा उत्तर प्रदेश, बिहार, पाइनएप्पल मेघालय, ग्रेप्स आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र। एप्पल की बात करें तो आपका वालनट जम्मू कश्मीर, हिमाचल में जिक्रे आपका मिलता है, और इसकी ग्रेट डिमांड है वर्ल्ड वाइड, तो ये इम्पोर्टेंट है। इंडिया की बात करें तो आपका पी, कैलीफ्लावर, ओनियन, कैबेज, टमाटो, ब्रिंजल और पोटैटो आपके इम्पोर्टेंट प्रोड्यूसर इंडिया इस मामले में भी है। तो ये आपका नो रहा नॉन फूड क्रॉप्स की बात करें, मतलब कि ये हमारे फूड के रूप में यूज़ नहीं करते, रबर की बात करते हैं।
तो रबर ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल एरियाज में उगाया जा सकता है। जिसकी रिक्वायरमेंट की बात करें तो मॉइस्ट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट की जरूरत है। रेनफॉल इसको 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा रेनफॉल की ज़रूरत है। टेम्परेचर की बात करें 25 डिग्री सेल्सियस इसको ज़रूरत है। रबर की इम्पोर्टेंट इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल रहता है और इन्हें मेनली केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका, अंडमान निकोबार आइलैंड और गारा हिल्स जो मेघालय में है वहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन इसका देखने को मिलता है। फाइबर क्रॉप्स की बात करें तो जूट जूट कॉटन और आपका सिल्क रहता है, ये आपकी बहुत ही इंपॉर्टेंट रहती है। कॉटन की बात करें तो कॉटन आपका ड्रायर पार्ट्स में ब्लैक जो कॉटन सोइल है, पिछले चैप्टर में हमने डिस्कस किया था आपकी सोइल्स के बारे में, तो ये ब्लैक कॉटन सोइल का जो रीजन है उसमें ये उगाई जाती है। डंगल डक्कन प्लेटों में बहुत अच्छा देखने को मिलता है। हाई टेम्परेचर की नीड है इसकी, इसके लाइट रेनफॉल चाहिए, इरीगेशन चाहिए और 210 फ्रॉस्ट फ्री डेज की जरूरत है, मतलब कि पाला रहित 210 दिनों की जरूरत इसको रहती है। ब्राइट सनशाइन चाहिए क्योंकि इसका जो फ्लावरिंग का टाइम है उस समय आपकी ब्राइट सनशाइन होगी तो अच्छे से प्रोडक्शन हो पाएगा। महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में कॉटन जो प्रोडक्शन है वो अच्छी खासी देखने को मिलती है। जूट की बात करते हैं हम तो जूट आपका वेल ड्रेन्ड और फर्टाइल सोइल्स में देखने को मिलता है और फ्लड प्लेन्स में भी देखने को मिलता है। ये आपका एवरी ईयर जो आपका फ्लड का टाइम जो सोइल है वो रिन्यू हो जाती है तो उस जगह पर बहुत अच्छा खासा देखने को मिलता है। हाई टेम्परेचर की ज़रूरत है इसको, रिक्वायरमेंट आपके ग्रोथ के टाइम, और वेस्ट बंगाल, बिहार, आसाम, ओडिशा और मेघालय में अच्छी खासी प्रोडक्शन जूट की देखने को मिलती है। आपके आज़ादी से पहले बांग्लादेश आपका इम्पोर्टेंट पार्ट रहता था जूट प्रोडक्शन के लिए, ये आपका फर्दर पॉइंट यहाँ पे मैं ऐड करता हूँ। टेक्नोलॉजिकली और इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स की बात करें तो आपका एग्रीकल्चर को बढ़ाने के लिए ग्रीन रिवॉल्यूशन लाया गया ताकि आपकी जो प्रोडक्शन है उसको इंक्रीज़ किया जा सके और हम ज़्यादा से ज़्यादा आपका प्रोडक्शन कर सकें। एस्टिमेटेड के बाद कुछ आपकी ग्रामीण बैंक्स का इनिशिएटिव लिया गया ताकि जो फार्मर्स हैं उनको सपोर्ट किया जाए और कोऑपरेटिव सोसाइटीज भी बनाई गई ताकि वहाँ से आपके लोअर रेट्स में इंटरेस्ट वहाँ से मिल सके। केसीसी का इनिशिएट किया गया, किसान क्रेडिट कार्ड, ताकि उनको फार्मर्स को फायदा पहुँचा सके। एग्रीकल्चर सेक्टर की बात करते हैं तो दोस्तों ये एग्रीकल्चर सेक्टर है वो डे बाई डे आपका कम होता जा रहा है। इंडस्ट्रियल और सर्विस सेक्टर है वो आपका इंक्रीज होता जा रहा है, जिसमें ज़्यादा पॉपुलेशन आपका भागीदारी भी दे रही है क्योंकि एग्रीकल्चर हमारा है वो आपका उस पर ध्यान भी कम है और आज के दिन जो किसान है वो अच्छे से अपने बच्चे को पढ़ा भी नहीं पाता, खा खिला भी नहीं पाता। तो इम्पोर्टेंट आपकी बात है, आज के दिन किसान ये नहीं चाहता कि उसका बच्चा है वो किसान बने, तो ये एक इम्पोर्टेंट सिनेरियो है और इस ग्राफ के थ्रू टेबल 4.1 के थ्रू आपकी एनसीईआरटी में भी बुक में ये टेबल शो होगी तो उसमें आप बता सकते हैं, देख सकते हैं, ये रियल एस्पेक्ट्स हैं। इम्पैक्ट की बात करें तो एग्रीकल्चर के लिए ग्लोबलाइजेशन से हम इम्पैक्ट ये है कि हम अगर हमारे कंट्री में शॉर्टेज ऑफ फूड ग्रेन्स मिलती है तो हम कहीं से ग्लोबलाइजेशन के थ्रू अपने कहीं से इंपोर्ट कर सकते हैं, अगर हमारे पास एक्सेसिव है तो हम उसको एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। तो ग्लोबलाइजेशन का इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है और एग्रीकल्चर बात करें कि ये जो भी आपकी मिनरल्स हैं वो कहाँ पर मिलती हैं तो आपके साथ हमने चैप्टर में बात की थी रॉक्स के चैप्टर में कि अर्थ क्रस्ट में जो भी आपके डिफरेंट मिनरल्स हैं वो आपके रॉक्स के फॉर्मेट में मिलती हैं, मतलब कि छोटे छोटे जो आपके जो मिनरल्स हैं मिनरल्स का आपका एक क्लब फॉर्मेट ही आपका रॉक में मिलता है, रॉक्स में आपकी मिनरल्स पाई जाती हैं। अभी व्हाट इज मिनरल्स, आपकी अगर डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स से हम देखें तो जियोलॉजिस्ट आपके कहते हैं कि होमोजेनियस नेचुरली ऑकरिंग सब्सटेंस विद डिफिनेबल इंटरनल स्ट्रक्चर, तो ये आपका कहते हैं कि एक समान नेचुरल जो भी आपकी इंटरनल स्ट्रक्चर में जो भी आपके सब्सटेंस हैं वो बनते हैं तो वो उसको हम मिनरल कहते हैं। अभी ज्योग्राफर की बात करते हैं तो ज्योग्राफर क्या कहते हैं वो भी आपकी मुद्दा है, तो आपके ज्योग्राफर्स कहते हैं मिनरल्स हैं वो आपके अर्थ क्रस्ट के पार्ट हैं और बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए अगर बात करें तो आपके लैंडफॉर्म में पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये आपके जियोलॉजिस्ट और ज्योग्राफर्स क्या कहते हैं वो आपका एंगल मैंने आपके सामने रखा।
आपके साथ ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर चुका हूँ रॉक्स का चैप्टर। रॉक्स के चैप्टर में आपने पढ़ा होगा कि जो कॉम्बिनेशन ऑफ होमोजीनियस सब्सटेंस हैं वो आपके मिनरल्स पाए जाते हैं, मतलब कि रॉक्स में पाए जाते हैं। अभी तक हम 2000 मिनरल्स आपके आइडेंटिफाई कर चुके हैं। अभी तक ये आपके आइडेंटिफाइड हैं, इतने टाइप के आपके मिनरल्स पाए जाते हैं। अभी आपका कौन कौन सी मिनरल्स हैं, कहाँ पे पाए जाते हैं और क्या कितने क्लासिफिकेशन हैं, वो भी आपकी बात आती है। सबसे पहले जो मिनरल्स हैं वो आपके ओर फॉर्मेट में मिलती है, मतलब कि आपके ये नहीं है कि आपकी आयरन अलग मिली, कॉपर अलग मिली, मैग्नीशियम अलग मिला, निकल अलग मिला, आप लिया और उस जगह से ये चीज़ निकाल ली। ये आपके आपके मिक्स्ड फॉर्मेट में मिलती है, मतलब कि सभी चीज़ें हैं वो मिक्स फॉर्मेट में रहती हैं और उनको बाद में हमने प्रोसेस करके अलग अलग करना होता है। अभी क्लासिफिकेशन की बात करें तो क्लासिफिकेशन मिनरल्स की आपकी दो टाइप की होती हैं मेनली, लेकिन आपकी थ्री टाइप की, इसके बाद आपके मिनरल भी, एनर्जी मिनरल्स भी हम बायफॉरवर्ड करते हैं। तो मेनली आपकी थ्री टाइप्स की मिलती हैं, मेटेलिक और नॉन मेटेलिक एनर्जी मिनरल्स। अभी मेटेलिक की बात करें तो आपके फेरस है, जो फेरस है उसमें कंटेन है वो आयरन का होता है, मतलब कि आपका उसमें आयरन की मात्रा ज़्यादा होती है। आयरन और मैग्नीशियम, निकल, कोबाल्ट आपके फेरस में होते हैं। नॉन फेरस की बात करें तो ये आपके कॉपर, लेड, टिन, बॉक्साइड आपकी इस नॉन फेरस के इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं। प्रीसीस की बात करें मतलब कि आपकी बहुमूल्य, तो बहुमूल्य में आपके गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम है, वो आपके प्रीसीस में मिलते हैं। अभी नॉन मेटेलिक की बात करते हैं, नॉन मेटेलिक में आपका जो साल्ट है, पोटास है, सल्फर है, आपका लाइमस्टोन है, मार्बल है, सैंडस्टोन है, मिका है, ये आपके नॉन मेटेलिक में मिलता है। अभी बात है आपकी एनर्जी मिनरल्स, जो आपके मिनरल्स हैं उनसे हमें एनर्जी मिलती है वो आपकी एनर्जी मिनरल्स कही जाती है, ठीक है। तो ये कोल है, पेट्रोलियम है, नेचुरल गैस है, इनके द्वारा हम एनर्जी प्राप्त करते हैं, तो इसलिए एनर्जी मिनरल्स कही जाती है। मिनरल्स आपकी जर्नली जो फॉर्मेशन है उनकी वो कैसे होती है वो भी हम बात करते हैं। तो इग्नियस और मेटामॉर्फिक जो रॉक्स हैं, मिनरल्स हैं, वो आपकी उनमें क्रैक्स हो जाते हैं, फॉल्ट हो जाते हैं और जॉइंट्स हो जाते हैं। तो जो भी आपकी स्मॉलर पार्ट होता है उसको हम वेंस बोलते हैं और जो लार्जर पार्ट है उसको हम कहते हैं लोड्स। तो ये आपका जो छोटा और बड़े की आधार पे आपके बाइफर्केशन मिलता है। तो इग्नियस और मेटामॉर्फिक की बात करें तो इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक में जो पहले तो आपका इग्नियस बनती है, आपकी जो भी लावा है वो इरप्ट होता है, एस्टोनोस्फेयर से मैग्मा इरप्ट होता है, इरप्ट होने के बाद वो आपका धरती पे जो अर्थ की क्रस्ट पे है वहाँ पर वो मेल्ट हो, वो पूरा पूरा ठंडा होता है। ठंडा होने के बाद उसमें कोई भी जो एजेंट्स हैं जैसे कि आपके टेम्परेचर है या फिर उसमें प्रेशर है, उसके बाद आपका मेटामॉर्फिक में कन्वर्ट होते हैं। तो ये आपके जो जॉइंट्स हैं उनमें आपकी ये चीज़ें मिलती हैं। अभी हम सेडिमेंट्री की बात करें तो सेडिमेंट्री आपकी मेनली आपको पता होगी कि लेयर्स में बनती है, और लेयर्स में कब बनती है, जब भी आपकी कहीं जगह से आपके कोई भी एजेंट्स हैं जैसे आपके वेदरिंग है, इरोजन है, उसके अकॉर्डिंग आपके टाइम टू टाइम एक जगह पर जाकर और वो डिपॉजिट हो जाते हैं। तो उन एजेंट्स में की वजह से आपके कहीं जगह पर डिपॉजिट हो जाते हैं तो वो आपकी लेयर्स में फॉर्मेशन हो जाती है, ओरिजेंटल स्ट्रेटा में आपकी पाई जाती है। तो वहाँ पर भी आपकी मिनरल्स हैं वो आपके बेड्स में, लेयर्स में पाई जाती है, ठीक है। अभी रेजिडुअल मास की बात करें तो वेदरिंग के साथ साथ जो अभी ओर्स हैं आपके एक जगह पर जाकर और वहाँ पर रेजिडुअल मास में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो उनका भी एग्जांपल बॉक्साइट आपका देखने को मिलता है। बॉक्साइट आपका इसी तरीके से बनता है। आपकी फोर्थ पॉइंट की बात करें तो जो आपकी सर्टेन मिनरल्स हैं वो आपके एलुवियल डिपॉजिट्स में मिलते हैं, जैसे कि हमारे सैंड्स में मिलता है, वैली फ्लोर्स में मिलता है और बेस ऑफ हिल्स में मिलता है, मतलब कि आपकी जो तलछट है हिल्स के जो बिल्कुल बिल्कुल नीचे मिलता है बेस में, वो आपका मिनरल्स वहाँ भी पाई जाती है। वो कैसे, जब भी आपकी आपकी इरोजन एजेंट्स हैं उनके जरिए आपका जो वाटर है, वाटर अगर कहीं से भी सर्कुलेट होगा तो जो मिनरल्स हैं आपकी रॉक्स में वो आपके जाकर और अलग अलग जगह पर मिल जाती हैं। आपके सैंड्स में पाया जाता है, मिनरल्स वहाँ भी मिलता है। ओशियन की बात करें तो आपका जो भी आपका कॉन्टिनेंट पार्ट से जो भी आपका रिवर्स के थ्रू या विंड के थ्रू आपका जाकर और ओशियंस में भी डिपॉजिट होता है, ये आपको सभी को पता है। तो ओशियन में जो भी डिपॉजिट होता है तो वाटर में भी आपके पाए जाते हैं। आपके इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस के आधार पे आपके क्वालिटीज ऑफ वास्ट क्वालिटी ऑफ मिनरल्स पाए जाते हैं। ओशियन के बेड्स में बहुत ही ज़्यादा मैग्नीशियम जो नोडल्स हैं वो आपके पाए जाते हैं और भी मिनरल्स आपके पाए जाते हैं। तो ये फिफ्थ फाइव तरीके से आपको पता लगा होगा कि किस किस के अकॉर्डिंग आपके क्या प्रोसेस आपके होता है और कैसे ये बनते हैं, ठीक है।
अभी आपका जान आपको मैं बता दूं कि आपको डिस्ट्रीब्यूशन बता देता हूं, फेरस मिनरल्स कौन से होते हैं, नॉन फेरस कितने कैसे होते हैं, तो वो चीज़ें आपके साथ डिस्ट्रीब्यूट करता हूं। तो फेरस जो होते हैं वो आपकी 3/4, जो 3/4 आपका टोटल वॉल्यूम है प्रोडक्शन ऑफ मेटेलिक मिनरल्स का, उसमें 3/4 आपका शेयर मिलता है। आयरन ओर की बात करें तो आयरन ओर आपका एक तरीके से इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की बैकबोन कही जाती है। बैकबोन इसलिए कही जाती है कि आपकी जो मशीनरीज हैं, चाहे छोटी से लेकर बड़ी मशीनरीज, आपकी आयरन ओर से बनती हैं। बेसिकली आपका आयरन ओर है वो बैकबोन, इसी वजह से कहा जाता है। आपके इंडिया है, इंडिया आपका रिच है और गुड क्वालिटी का आयरन ओर पाए जाते हैं। जो मैग्नेटाइट है उसके वो आपके हाई कंटेंट मिलते हैं आयरन के, वो आपका इंडिया में पाया जाता है। अभी आपके 4 टाइप के जो टाइप्स हैं आयरन ओर के, वो हम आपको बताते हैं। सबसे पहला आपका हेमेटाइट आता है। हेमेटाइट आपका 70% से अगर अधिक आपके आयरन कंटेंट पाए जाते हैं तो वो हेमेटाइट कहा जाता है। मैग्नेटाइट की बात करें तो 60-70% आयरन कंटेंट इसमें मिलते हैं। लाइन लिमनेटाइट की बात करें तो 40-60% आयरन कंटेंट होते हैं, और सिडराइट की बात करें तो less than 40% आपके आयरन कंटेंट पाए जाते हैं। तो ये आपके 4 टाइप से आपकी डिस्ट्रीब्यूशन इसका आयरन ओर का मिलता है। अभी आपके मेजर जो प्रोडक्शन है वो आयरन का कहाँ कहाँ, स्टेट वाइज की बात करें तो टॉप के जो 5 हैं वो आपको ध्यान देने चाहिए। सबसे ज़्यादा ओडिशा में होता है, सेकंड नंबर पे छत्तीसगढ़, थर्ड पे आपका कर्नाटका, फोर्थ पे झारखंड, और जो भी आपके अदर रिमेनिंग बच गए वो आपके 5th नंबर पर आते हैं। अभी मेजर इन आयरन ओर की बेल्ट्स हैं वो आपके, ये बेल्ट्स हैं मेजरली की बात कर रहे हैं हम, तो मेजरली आपकी ओडिशा में झारखंड बेल्ट पाई जाती है, दुर्गा बस्तर चंद्रपुर बेल्ट पाई जाती है, बलारी आपका चित्रागुड जो बेल्ट है ये पाई जाती है, महाराष्ट्र गोवा बेल्ट भी पाई जाती है। तो ये आपकी 4 बेल्ट्स हैं वो आपकी आयरन ओर की मेजरली पाई जाती है इंडिया में। अभी मैंगनीज की बात करते हैं हम, तो नेक्स्ट जो हमारी मिनरल है वो आपके मैंगनीज। तो मैंगनीज है वो आपके स्टील और जो आपका फेरो मैग्नीशियम मैंगनीज अलॉय बनती हैं उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रहता है। मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो ब्लीचिंग पाउडर है उसमें भी आपका मैग्नीशियम काम आता है, इंसेक्टिसाइड्स हैं उनमें भी काम आता है, और जो पेंट्स इंडस्ट्री है उसमें भी आपका मैग्नीशियम का इंपॉर्टेंट रोल होता है। अभी इंपॉर्टेंट जो आपके स्टेट्स हैं कौन कौन से, सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है एमपी में होता है, 2nd नंबर पर महाराष्ट्र, 3rd उड़ीसा, 4th कर्नाटका, एंड 5th आपका आंध्र प्रदेश में पाया जाता है। ठीक है, नॉन फेरस की बात करते हैं। नॉन फेरस में मिनरल्स हैं उनके इंडिया में रिजर्व्स और प्रोडक्शन बहुत कम देखने को मिलते हैं, यहाँ पर सेटिस्फैक्ट्री हमारे नहीं मिलते। जो कॉपर की बात करते हैं तो कॉपर आपका जो है, कॉपर इंडिया में आपका क्रिटिकल डेफिशिएट मिलता है, इसके रिजर्व्स और प्रोडक्शन है वो कम ही मिलते हैं। ठीक है, तो डिफिशियंट आपके मिलते हैं, ये आपके क्रिटिकल कंडीशन में रहता है। तो आपको पता होगा कि आपका कॉपर है वो गुड कंडक्टर भी रहता है, आप साइंस अगर पढ़ी होगी तो आपने कॉपर जरूर पढ़ा होगा। तो इसके जो आपके मिनरल आपके इम्पोर्टेंट जो फील्ड्स हैं वो कौन सी हैं, जो बालाघाट माइंस हैं एमपी में वो इम्पोर्टेंट है, खेतरी माइंस है बहुत ही फेमस है राजस्थान की वो आपके इम्पोर्टेंट है, सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट में झारखंड में भी आपका जो मेजर लीडिंग प्रोड्यूसर्स हैं कॉपर के वो देखे जा सकते हैं। बॉक्साइट की बात करते हैं तो बॉक्साइट आपके सेवरल जो ओर्स होते हैं आपके, एल्यूमिनियम बॉक्साइड, क्ले लाइक सब्सटेंस, एलुमिना, और ये चीज़ें आपकी क्लब में मिलती हैं, मतलब कि आपके मिक्स्ड लेवल पे मिलती हैं। इंडिया में बॉक्साइट की बात करें तो डिपॉजिट्स हैं वो मेनली अमरकंटक प्लेट्यू में मिलते हैं, मेकाल हिल्स में मिलते हैं, प्लेट्यू रीजन जो बिलासपुर और खातनी का है उसमें भी मिलते हैं। उड़ीसा आपका मेजरली प्रोडक्शन जो स्टेट है उसका सबसे नंबर 1 है, 2nd नंबर पर गुजरात, 3rd पे आपका झारखंड, 4th पे छत्तीसगढ़, और 5th पे आपका महाराष्ट्र बॉक्साइट के प्रोडक्शन में मिलते हैं, लीडिंग आपके किए रहते हैं। राइट, अभी इंपॉर्टेंट मिनरल्स की बात करते हैं। तो इंपॉर्टेंट जो मिनरल्स हैं इंडिया में वो आपके इस मैप में दिए हुए, वो क्या किस किस के अकॉर्डिंग बात करें तो आपकी जो मेजर आयरन और माइंस हैं वो आपके इससे मिलते हैं, ये जो आपकी ऑरेंज कलर से दिखाई गई हैं ये आपकी मेजर आयरन और माइंस मिलते हैं। राइट, अभी मैग्नीशियम की बात करें तो मैग्नीशियम जो आपका ये सिंबल मिलता है इस टाइप का, ये आपका मैग्नीशियम को इंट्रोड्यूस कर रहा है, बता रहा है। बॉक्साइट आपके जो हैं वो बॉक्साइट आपके एक कोरापुत में है, आपका अमरकंटक खातनी में ये है, तो ये मैग्नीशियम और मेका जो आपका ये राजस्थान का रीजन है यहाँ पर मिलते हैं। जो मेजरली आपके मिनरल्स हैं
आपको बता दूं तो मेजरली मिनरल्स आपके यहाँ पर जो गोंडवाना लैंड का पार्ट है वहाँ पर मिलते हैं, मतलब कि पेनिनसुलर जो इंडिया है उसमें सबसे ज़्यादा मिनरल्स पाए जाते हैं। ये आपके एक सिंप्लीफाइड तरीके से आपको मैंने बताया। अभी नॉन मेटेलिक मिनरल्स की बात करते हैं। नॉन मेटेलिक मिनरल्स में आपके मीका है वो आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रॉनिक जो इंडस्ट्रीज हैं उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रहता है। मीका के डिपॉजिट की बात करें तो नॉर्थ जो नॉर्थर्न एज है छोटा नागपुर प्लेटो का वहाँ पर मिलता है। कुद्रेमा गाया हजारीबाग बेल्ट में मिलता है झारखंड में, ये आपके लीडिंग प्रोड्यूसर मिलते हैं। राजस्थान की बात करें तो अजमेर के पास भी मिलता है, आपका मेजर प्रोड्यूसिंग एरिया ये भी रहता है। अभी रॉक मिनरल की बात करते हैं तो रॉक्स में भी कुछ मिनरल्स पाए जाते हैं, जैसे कि आपके लाइमस्टोन हुआ, तो लाइमस्टोन रहा वो आपके एसोसिएशन से बनता है। रॉक्स के कंपोजिशन कंपोज्ड हो रहती हैं कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम और मैग्नीशियम कार्बोनेट, तो इनसे आपका जो संगठित रूप है आपका एसोसिएशन है उससे आपका लाइमस्टोन बनता है। लाइमस्टोन की बात करें तो बेसिक रॉ मटेरियल मिलता है सीमेंट इंडस्ट्री के लिए, और आपके स्मेल्टिंग आयरन है उसके लिए भी एसेंशियल है, और ब्लास्ट फर्नांस के लिए भी आपका लाइमस्टोन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है। अभी जो आपका प्रोडक्शन है वो आपकी स्टेट वाइज शेयर की बात करें तो सबसे ज़्यादा आपका राजस्थान, सेकेंड पे MP, फोर्थ पे थर्ड पे आपका आंध्र प्रदेश, फोर्थ पे छत्तीसगढ़, फिफ्थ पे आपका कर्नाटका पाया जाता है। हेजार्ड्स की बात करें तो आपकी अभी तक आपने मिनरल्स पढ़ी कि माइनिंग किया और हमने निकाल लिया, लेकिन आपका हेजार्ड्स का मुद्दा आता है। हेजार्ड्स भी होती हैं आपकी, दुर्घटनाएं भी होती हैं माइनिंग के समय। अगर मेजरली बात करें तो एयर पोल्यूशन जिस भी जहां पर भी आपकी माइनिंग एरिया है वहां पर बहुत ज़्यादा पोल्यूशन होता है, जो वहां पर सांस लेने की समस्या भी रहती है। तो मेनली आपका कहा जाता है कि जो भी आपके वर्कर्स हैं वर्कर्स को मास्क दिया जाए, लेकिन आपका वहां पर दिया नहीं जाता, ये रियल फैक्ट है। दूसरा आपकी बात करें हेजार्ड्स की, तो जब भी आप माइनिंग करते हैं तो माइनिंग में कोई टेक्टोनिक एक्टिविटीज़ या आपके उस जो माइनिंग है एरिया है वो आपका खिसक जाता है, तो इस वजह से भी लैंडस्लाइड की वजह से आपका या वो धस जाता है जो एरिया है वो माइनिंग का, तो उस जगह पर भी बहुत बड़ी हेजार्ड हो जाती है। ठीक है, तो ये आपकी डे बाई डे देखने को मिलती है। तो इनको हम कर सकते हैं कंजर्वेशन कर सकते हैं मिनरल्स का। तो आपका आपको पता होगा कि जो मिनरल्स हैं वो बहुत ही स्लो बनते हैं, और आपकी जो बनने की जो रेट है वो आपकी बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है, मतलब कि मिलियंस ऑफ ईयर्स इसको बनने में लग जाते हैं, ये आपको पता होगा। नहीं पता है तो आपको जो मेरे इस चैनल पे आपको मिल जाएंगी वीडियोस वो आप देख सकते हैं, उसमें आपने मैंने आइडेंटिफाइड करके आपको बताया। अभी मेटल्स को हम कंजर्वेशन की कही कि हमने बहुत सालों से बनती हैं, तो हम कैसे इनके अपनी ज़रूरतों को भी हम पूरा करना है और फ्यूचर के लिए बारे में भी सोचना है, तो इम्पोर्टेंट मुद्दा यहाँ पर रहा। तो हम जो मेटल्स हैं अभी तक जो हमारे पास मेटल्स हैं उनको रिसाइकल कर सकते हैं, उनके जो स्क्रैप मेटल्स हैं उनको हम यूज़ कर सकते हैं, हम जो भी आपके उनके अकॉर्डिंग या उनके बिहाफ पे कोई भी स्टेप्स हैं वो भी ले सकते हैं मिनरल रिसोर्सेज आपके फ्यूचर के लिए बचाने के लिए। तो ये आपके कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स मिलता है। अभी एनर्जी रिसोर्सेज की बात करें तो हमने डिस्कस किया था आपका कोल है, पेट्रोलियम है, नेचुरल गैस है, यूरेनियम है, इलेक्ट्रिसिटी है, ये आपके इसी से बनता है एक तरीके से, हमें एनर्जी है वो इनसे बनती है। तो एनर्जी को हम रिसोर्सेज को कन्वेक्शनल के आधार पर बात करते हैं, तो कन्वेक्शनल और नॉन कन्वेक्शनल सोर्सेज में हमने क्लासिफाई इसको किया है। तो कन्वेक्शनल सोर्सेज में बात करें तो फायरवुड, कैटल डंग, केक, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, इलेक्ट्रिसिटी, जो भी आइटल और थर्मल कोडिंग मिलती हैं वो आपकी कन्वेक्शनल मिलती है। नॉन कन्वेक्शनल सोर्सेज की बात करें तो सोलर, विंड, जियोथर्मल, बायोगैस, एटॉमिक एनर्जी है वो आपकी नॉन कन्वेक्शनल रूप में मिलती है, लेकिन जो फायरवुड और कैटल डंग केक है वो मोस्टली आपके कॉमनली आपका रूरल इंडिया में देखने को मिलता है। ये नॉन कन्वेक्शनल सोर्सेज भी आपके रूरल इंडिया में देखने को मिलते हैं। तो आपके साथ ये जो वीडियो में आपको सभी चीज़ें मैंने डिस्कस की, आपको हर एक जो इम्पोर्टेंट आस्पेक्ट है, जैसे कि हमने मिनरल्स की बात की तो मेटेलिक के बारे में भी आपके साथ मैंने बायफॉरगेट करके बताया, मेटेलिक नॉन मेटेलिक को भी बताया, और अभी अभी आपके साथ मैंने एनर्जी मिनरल्स की क्लासिफिकेशन के बारे में बताया। तो सभी जो आपके ऑल अराउंड अबाउट मिनरल्स जो चैप्टर आपसे पूछा जाता है या इसमें बताया गया है पूरे चैप्टर में, वो यही बातें रहें, वो आपका वो मैन्युफैक्चरिंग को समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले जो भी आपके रॉ मटेरियल है
रॉ मटेरियल को आप कन्वर्ट कर देते हैं वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स में, तो वो आपका प्रोसेस होता है, वो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का ही होता है। ठीक है, जैसे कि आपकी गुड्स हैं, लार्ज क्वांटिटीज हैं, उसको प्रोसेस करने के बाद, रॉ मटेरियल को कन्वर्ट प्रोसेस करने के बाद आप वैल्यूएबल प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपका जो पेपर है, वुड है, वुड को प्रोसेस करने के बाद हम पेपर में कन्वर्ट कर देते हैं। आपको पता होगा कि पेपर है वो वुड से ही बनता है, लकड़ी से बनता है। ये अगर नहीं पता है तो आपको जानना चाहिए, अभी जान लिया आपने। अभी शुगर है, शुगर केन से बनती है, गन्ने से बनती है। आयरन एंड स्टील है, वो आयरन ओर से बनती है। तो ये आपकी प्रोडक्ट्स हैं, वो आपके देखने को मिलते हैं। अभी इकोनॉमिक स्ट्रेंथ की बात करें, किसी भी कंट्री में इकोनॉमिक जो स्ट्रेंथ है वो भी आपकी मेजर की जाती है डेवलपमेंट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री पे। जैसे भी आपकी जिस कंट्री की मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री अच्छी होगी तो उस कंट्री की इकोनॉमिक स्ट्रेंथ भी अच्छी होगी, उससे उसका डेवलपमेंट भी अच्छा होगा। तो ये सभी चीज़ें आपकी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री पे डिपेंडेंट रहती हैं। इंपॉर्टेंस की बात करते हैं तो इंपॉर्टेंस आपकी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री की क्या रहती है, वो आपकी मुद्दा रहा। तो जो आपकी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है वो आपकी एक तरीके से बैकबोन कही जाती है किसी भी कंट्री की, किसी भी जर्नल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट की। क्योंकि आपका जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है वो बहुत ज़्यादा सेक्टर्स को इंक्लूड करके चलता है, उसको क्लब करके चलता है। आपको कैसे बात करें तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री की बात करें तो आपके जो भी मॉडर्नाइजेशन हुआ है आपके एग्रीकल्चर में, तो वो टूल्स है आपके मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में बनते हैं। और कोई टूल्स हैं जो आपके हायर सेक्टर को दिए जाते हैं वो भी आपके मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री पे डिपेंडेंट रहते हैं। ठीक है, कोई भी इक्विपमेंट्स हैं वो आपके मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री पे डिपेंडेंट रहते हैं। अगर आप ध्यान से देखें तो जो भी आपकी हैवी डिपेंडेंसी है, ज़्यादातर जो भी आपकी हैवी डिपेंडेंसी है उसको कम करने के लिए, जैसे कि आपकी एग्रीकल्चर सेक्टर की बात करें तो एग्रीकल्चर सेक्टर में पुराने समय आपके ज़्यादातर जो यूज़ किए जाते थे वो आपके लेबर की जाती थी, लेबर के द्वारा ही सभी काम ऑर्गेनाइज किया जाते थे। लेकिन आज के दिन जो एग्रीकल्चर सेक्टर में आपकी इनकम जनरेट अच्छी हो रही है, और दूसरा आपका जो लेबर है, वर्क फोर्स है, वो भी आपकी कम लग रही है। वो किसकी वजह से? वो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री की वजह से। वो कैसे? मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के बिहाफ पे ही जो भी आपकी टूल्स हैं, आपके मॉडर्नाइजेशन हुआ एग्रीकल्चर में, आपके पास ट्रैक्टर्स आए, आपके पास और टूल्स आए, आपके बीज बोने के या और कोई चीज़ें आपके पास इसी वजह से आई, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री की वजह से आई, जिससे आपका जो भी आपका एग्रीकल्चर में इनकम लग रही थी, इनकम है वो आपकी हाई होगी, आपका जो कॉस्ट लग रही थी वो कम हुई, ये सभी चीज़ें आपके आउटपुट है वो अधिक हुआ, वो किसकी वजह से हुआ? आपका मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री पर। दूसरा, जो जॉब्स आपकी, जो भी आपके रिमेनिंग पर्सन रह गई, रिमेनिंग लेबर रह गई, उसको काम भी मिला सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर में, तो ये सभी चीज़ें आपकी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री पे ही डिपेंडेंट रहती हैं। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की बात करें तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, जो भी आपकी अनएम्प्लॉयमेंट है, पॉवर्टी है, उसको भी, उसको रोजगार कहाँ मिलता है? ज़्यादातर आपका मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में। क्योंकि ये तो है नहीं कि कंट्री में सभी लोग जो हैं पढ़े लिखे होंगे, वो हायर सेक्टर में आपकी अपनी जो भी सेवाएँ हैं वो देंगे। आपके कुछ ऐसे पर्सन होते हैं जो आपकी वर्क लेबर है, जो जिसको काम करने की जो आपकी कैपेबिलिटीज़ हैं वो ज़्यादा नहीं होंगी, आपकी ज़्यादा उसको समझ नहीं होगी, तो वो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में कोई काम करेगा, तो वो आपका पॉवर्टी कम करने में, अनएम्प्लॉयमेंट कम करने में भी आपकी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट काफ़ी काम आता है। एक्सपोर्ट की बात करते हैं तो मैन्युफैक्चरिंग जो गुड्स हैं आपका, ट्रेड करते हैं हम, कॉमर्स करते, ट्रेड एंड कॉमर्स बात हुई या फॉरेन एक्सचेंज की बात हुई, फॉरेन एक्सचेंज के जो भी आपके कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, ज़्यादातर जो एक्सपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट करते हैं, वो आपकी मैन्युफैक्चरिंग गुड्स को करते हैं, ना कि आपके एग्रीकल्चर सेक्टर से जो भी आपके एग्रीकल्चर गुड्स हैं उनको हम ज़्यादातर एक्सपोर्ट नहीं करते, इंपोर्ट नहीं करते। आपने अगर देखा होगा तो आपकी जो भी टूल्स हैं, जो भी आपके मैन्युफैक्चरिंग गुड्स हैं, वो ही ज़्यादातर हम अपने इंडिया में इंपोर्ट करते हैं, और ज़्यादातर जो भी हमारे टूल्स हैं वो आपके एक्सपोर्ट भी किए जाते हैं। ठीक है, कंट्रीज़ की बात करें तो रॉ मटेरियल है वो आपका, रॉ मटेरियल एक फिनिश्ड प्रोडक्ट में आपका हायर वैल्यू में बेचा जाता है, वो कंट्री टू कंट्री वेरी भी करता है। फॉर एग्जांपल आपका हायर वैल्यू में, आपका प्रोस्पेक्टिव वैल्यू में फिनिश्ड गुड हमारा सेल किया जाता है, वो किस वजह से? क्योंकि हमें उसमें कुछ प्रोसेस किया, प्रोसेस करने के बाद वो फाइनल आउटपुट हो गया, उसको डायरेक्ट कस्टमर है वो यूज़ कर सकता है, तो कस्टमर यूज़ करेगा तो उसके जो, अगर आप अगर इसको कंपेरेटिव एनालाइज करें, रॉ मटेरियल है, रॉ मटेरियल की जो कॉस्ट होती है उसके बजाय आपका जो फिनिश्ड प्रोडक्ट है उसकी कॉस्ट बहुत ही ज़्यादा हाई होती है, तो ये आपका मिलता है, ये चीज़ें आपकी देखने को मिलती हैं। इंडस्ट्रियल की, इंडस्ट्री की कहाँ लोकेशन होनी चाहिए, ये भी आपके कुछ फैक्टर्स होते हैं, कहाँ पर आपकी ज़्यादातर
जो इंडस्ट्री है वो बने, ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो सबसे ज़्यादा जो इंडस्ट्री की लोकेशन डिसाइड की जाती है उसमें ये देखा जाता है कि अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल अच्छी है क्या, आपकी वहाँ पर लेबर मिल जाएगी क्या, कैपिटल वहाँ पर है, पावर और मार्केट, ये सभी सेक्टर्स अगर होंगे तो वहाँ पर आपकी इंडस्ट्री डेवलप हो जाएगी। फॉर एग्जांपल आपके जो इनपुट्स हैं, आपकी इंडस्ट्री और मार्केट लिंकेज की बात करते हैं, तो इनपुट्स हैं वो आपके रॉ मटेरियल है, रॉ मटेरियल मिला, उसको ट्रांसपोर्ट किया और फिर बाद में हम फैक्ट्री में लेकर आए, फैक्ट्री में लेके आने के बाद उसमें कुछ हमने प्रोडक्ट बनाए, प्रोडक्ट को ट्रांसपोर्ट किया और मार्केट ले गए, मार्केट से जो भी आपका मनी आया वो इनपुट हमारे लिए वो जरूरी हो गया, इनपुट्स मिले उसके से हमें कैपिटल मिला, हमें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर पाएंगे, तो ये सभी चीज़ें आपकी एक साइकिल है। दूसरा, आइडियल लोकेशन की बात करें, इंडस्ट्री की आइडियल लोकेशन कहाँ होगी, तो आइडियल लोकेशन आपकी कॉस्ट है जो रॉ मटेरियल की वो सबसे कम कहाँ होगी, आपका कॉस्ट डिस्ट्रीब्यूशन है, प्रोडक्शन है वो कहाँ रहेगा, मतलब कि आपका कर्व होता है कहाँ पर आपके वेरी करता है, आपके लोकेट होगी उसी जगह पर आपका डिसीजन लिया जाएगा कि कहाँ पर आपकी फैक्ट्री है वो बनाई जाए, आपका कॉस्ट है, प्रोडक्शन है वो कहाँ पर डेवलप हो। आपको एक एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ, ज़्यादा हाई लेवल पे नहीं ले जाऊँगा, आपकी एक सेक्टर है ये, ठीक है, ए सेक्टर है और आपका जो बी है मार्केट, ठीक है। अभी आपको इंडस्ट्री इसके बीच में कहीं ना कहीं डेवलप करनी है, ठीक है। अभी आप डेवलप करेंगे तो डेवलप करने में आपकी कुछ बातें ऐसी कहेंगी कि यहाँ पर हमें डेवलप करनी चाहिए इंडस्ट्री, क्योंकि हमारा जो रॉ मटेरियल है उसकी आपका घटने की जो दर है उसमें वेट ज़्यादा है या उसमें रिडक्शन भी ज़्यादा है, अगर टाइम के समय के अनुसार अगर ज़्यादा दूर लेकर जाएंगे तो उसमें वेट भी कम होगा, ठीक है। तो वो इंडस्ट्री आपकी इसके रॉ मटेरियल के पास में डेवलप की जाएगी। अगर कोई ऐसी हैं जो लाइट इंडस्ट्री हैं वो आपकी मार्केट के पास में भी डेवलप की जा सकती हैं, क्योंकि उनमें ज़्यादातर को ट्रांसपोर्ट कॉस्ट है वो अफेक्ट नहीं करेगी। तो यहाँ पर जो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट है वो अफेक्ट ज़्यादा करती है, इस वजह से आपकी इंडस्ट्री की जो लोकेशन है वो आपकी डेवलप होती है। फर्दर आपकी इस इंडस्ट्री के लोकेशन पर बहुत से मॉडल्स भी क्रिएट किए, वेबर का मॉडल बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो आपका देखने को मिलता है। तो ये फर्दर आपकी हाइयर लेवल पे बातें हैं आपको समझाने के लिए, ये एग्जांपल बहुत ही इफेक्टिव रहता है। अब इंडस्ट्री को क्लासिफिकेशन की बात करें तो रॉ मटेरियल के अकॉर्डिंग हम दो तरीके से दो सब कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, एग्रो बेस्ड जो भी आपके मटेरियल हैं, एग्रीकल्चर बेस्ड वो, मिनरल बेस्ड जो भी आपके आयरन और स्टील है, सीमेंट है, ये आपके मिनरल बेस हैं, मिनरल से बनते हैं तो वो आपके मिनरल बेस होते हैं। अकॉर्डिंग टू देयर मेन रोल की बात करें तो आपकी बेसिक और की इंडस्ट्रीज होती है, जो वो इंडस्ट्री वो होती हैं जो आपकी, जैसे कि आयरन स्टील की बात करें वो जो कि आपकी रॉ मटेरियल से मैन्युफैक्चर करके गुड्स बना देती हैं, ठीक है, तो वो आपकी बेसिक और की इंडस्ट्रीज होती हैं, क्योंकि आपकी इक्विपमेंट्स हैं ज़्यादातर इन्हीं में बनते हैं। कंज्यूमर इंडस्ट्री की बात करें तो कंज्यूमर इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री होती हैं जिनमें आपका ज़्यादातर जो कंज्यूमर्स की नीड्स हैं, जैसे शुगर है, टूथपेस्ट है, पेपर है, वो आपके कंज्यूमर के खुद आपकी डिमांड है, तो वो आपके फाइनल आउटपुट मिल जाता है, तो वो आपका कंज्यूमर ओरिएंटेड इंडस्ट्री देखने को मिलती है। आपकी कैपिटल इन्वेस्टमेंट के बेसिस पे भी आपकी मिलती है, आपकी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री भी होती है और लार्ज स्केल भी इंडस्ट्री होती है। अभी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री की बात करें तो आपकी मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट या उनमें एसेट्स की यूनिट्स हैं वो ज़्यादातर मिले तो वो आपकी लिमिट होती है, एक फिक्स लिमिट होती है। फॉर एग्जांपल आपकी बात करें तो एक टाइम के या पीरियड ऑफ टाइम में आपका मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट अलाउ है प्रेजेंट सिनेरियो में आपका 1 करोड़ रुपी, तो ये एक फिक्स लिमिट हो गई, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता, इससे कम ही आपका इन्वेस्टमेंट होगा। तो ये आपके बहुत से फैक्टर्स होते हैं उसमें भी इफेक्ट होते हैं, ये नहीं कि यही आपका ये हर एक इंडस्ट्री को आपका 1 करोड़ रुपीज़ इन्वेस्टमेंट के लिए दिया जाए, ये पॉसिबल भी नहीं रहता। आपका बेसिस ऑफ ओनरशिप के अकॉर्डिंग भी आपकी क्लासिफाई मिलता है, आपका पब्लिक सेक्टर होता है, पब्लिक सेक्टर में आप वो होता है जो कि आपके खुद के ओन के द्वारा भी उसमें एजेंसीज होती हैं, ऑपरेट किया जाता है और गवर्नमेंट के थ्रू भी आपकी कुछ उसमें ऑपरेट किया जाता है। फॉर एग्जांपल आपका बेल का एग्जांपल है, सेल का एग्जांपल है, ये आपके इंपॉर्टेंट रहते हैं। प्राइवेट सेक्टर की बात करें तो प्राइवेट सेक्टर वो उसमें ये होता है कि जो आपका खुद का मालिकाना हक होता है, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स का एक ऑपरेट करते हैं। फॉर एग्जांपल आपका टिस्को है, बजाज ऑटो लिमिटेड है, डाबर इंडस्ट्रीज़ हैं, जो भी आपके बजाज के प्रोडक्ट्स हैं, बजाज की बाइक्स हैं, वो आपके बजाज ऑटो लिमिटेड है, वो आपका प्राइवेट सेक्टर देखने को मिलता है।
ज्वाइंट सेक्टर इंडस्ट्री की बात करें, ज्वाइंट सेक्टर इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री होती हैं जो कि आपकी स्टेट के द्वारा और इंडिविजुअल के द्वारा आपकी चलाई जाती हैं। फॉर एग्जांपल आपकी ऑयल लिमिटेड इंडिया लिमिटेड जो आपकी हैं वो आपकी पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर दोनों मिलती हैं, तो ये एक तरीके से ज्वाइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज कही जाती हैं। फोर्थ की बात करें तो कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्रीज कही जाती हैं। ये इंडस्ट्रीज वो होती हैं जो कि आपके ऑपरेट करती हैं प्रोड्यूसर्स को, सप्लायर्स को, रॉ मटेरियल, वर्कर्स को और बोथ सभी चीज़ें आपकी क्लब करके चलते हैं, तो वो आपकी कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्री कही जाती है। ठीक है, राइट। बेस्ड ऑफ बल्क एंड वेट ऑफ रॉ मटेरियल के या फिनिश्ड गुड्स के अकॉर्डिंग में आपकी इंडस्ट्री का क्लासिफिकेशन मिलता है। फॉर एग्जाम्पल आपका हेवी इंडस्ट्रीज हैं, आयरन और स्टील आपको पता ही है। लाइट इंडस्ट्री की बात करें तो लाइट इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री होती है जिनमें आपका रॉ मटेरियल है वो भी लाइट होता है और प्रोड्यूस जो हमने किया है वो भी आपका लाइट होता है। फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉनिक गुड्स हैं आपका, फॉर एग्जांपल आपको माउस जो भी आप यूज़ करते हैं, मोबाइल है आपका, लैपटॉप है, वो लाइट इंडस्ट्रीज कही जाती हैं। तो इस तरीके से आपका क्लासिफिकेशन मिलता है। अभी आपका एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज होती हैं जो कि आपके एग्रीकल्चर पे रॉ मटेरियल पे डिपेंडेंट रहती हैं। दूसरी इंडस्ट्री टेक्सटाइल इंडस्ट्री होती है जो आपकी ज़्यादातर जो आपका वर्क है टेक्सटाइल की बात करें तो टेक्सटाइल में काफ़ी इंडस्ट्रीज डेवलप हो जाती हैं। फाइबर प्रोडक्शन किया और वो रॉ फाइबर बन गया, स्पिनिंग कर दी उसमें यार्न बन गया, तो ये एक अलग इंडस्ट्री बन सकती है। उसमें वीविंग और क्निटिंग कर दिया तो फैब्रिक बन गया, उसके बाद उसको डाई कर दिया और फिनिश कर दिया तो आपके गारमेंट्स में कन्वर्ट हो जाता है। तो गारमेंट एक तरीके से हर एक स्टेप पर अलग अलग इंडस्ट्री बनती हैं, ये आपके टेक्सटाइल इंडस्ट्री में देखने को मिलता है। और इंडियन इकोनॉमी के अकॉर्डिंग बात करें तो एक यूनिक पोजीशन आपकी जिसने अचीव की है। फॉर एग्जांपल आपके जब भी ब्रिटिश टाइम था, अंग्रेज़ों के समय, आपका ज़्यादातर यहाँ से इंडिया से आपके रॉ मटेरियल लेकर और वहाँ पर प्रोसेस करके हमें ही खुद बेचते थे, तो हमारा जो रॉ मटेरियल का कॉस्ट था वो बहुत ही कम होता था और जो हमें फाइनल प्रोडक्ट बेचते थे वो काफ़ी कॉस्ट होती थी, उसकी बहुत हाई कॉस्ट देनी पड़ती थी। तो उससे ये होता है कि आपकी जो भी रॉ मटेरियल की जो कंट्री है जैसे एक इंडिया है उसका ज़्यादा विनाश हुआ, ज़्यादा नाश हुआ, उसमें जो भी आपका पैसा है वो पैसा नहीं मिलता और बहुत ही कम दाम पे उसको बेचना पड़ता था। और जो आपकी इंग्लैंड थी वो इंग्लैंड ज़्यादातर आपके इंफ्रास्ट्रक्चर्स वहाँ डेवलप की, इंडस्ट्री डेवलप की, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की और फॉरन एक्सचेंज से अर्निंग भी उसने की। तो एक तरीके से जब भी आपकी सोने की चिड़िया जो इंडिया है उसका नाम आज के दिन सोने की चिड़िया नहीं रही, वो किन की वजह से? ब्रिटिशर्स की वजह से। ये आपके कारण इसी वजह से मिलता है क्योंकि उन्होंने आपका रॉ मटेरियल ले जाकर वहाँ पे फिनिश प्रोडक्ट में चेंज किया और काफ़ी इफेक्टिव अर्निंग्स भी की, तो वो देखने को मिलता है। अभी आपका मैन्युफैक्चरिंग स्टील इंडस्ट्री की बात करें तो आपका कुछ रॉ मटेरियल है वो आपके प्लांट से ट्रांसपोर्ट किया, ट्रांसपोर्ट करने के बाद उसको ब्लास्ट फर्नेस किया, पिग आयरन मिला। पिग आयरन की बात करें तो पिग आयरन किसको कहते हैं, वो आपका इंपॉर्टेंट रहता है। तो पिग आयरन उसको कहा जाता है जो भी आपके मोल्टन मटेरियल से पिघला हुआ, जो भी आपका आपका जैसे आप फॉर एग्जांपल स्टील है, स्टील के लिए आपके जो भी कंपोनेंट्स हैं उनको अगर हम एक पिघले हुए पदार्थ में रख लेते हैं तो आपका पिग आयरन कहा जाता है। ठीक है, तो आयरन को आप कर लेते हैं। अभी इस पिग आयरन को स्टील मेकिंग में हम कन्वर्ट करते हैं, उसको इम्प्योरिटीज़ हैं उनको हटा देते हैं, उसमें जो भी आपके मेल्टिंग है या ऑक्सीडेशन का प्रोसेस है वो करते हैं, उसके बाद उस मेटल को मतलब कि किसमें कन्वर्ट करना है वो आपका फाइनल शेपिंग हम दे देते हैं। तो ये एक तरीके से फाइन आपकी प्रोसेस मिलती है स्टील इंडस्ट्री की। ठीक है, राइट। अभी कॉटन इंडस्ट्री की बात करें तो कॉटन इंडस्ट्री भी बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। जूट इंडस्ट्री है, जूट पे डिपेंड करती है। शुगर इंडस्ट्री है, वो आपके में शुगर पे डिपेंड करती है, शुगर केन पे डिपेंड करती है। मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री है, जो भी आपके मिनरल प्रोडक्ट्स हैं उन पे अगर कोई इंडस्ट्री बनाई जाती है तो मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज मिलती हैं। ऑल ओवर इंडिया की बात करें तो ऑल ओवर इंडिया में ये कुछ आपकी लोकेशंस हैं जिन पे ये अलग अलग साइट्स मिलती है। कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, वूलन इंडस्ट्री, सिल्क इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, तो ये अलग अलग इंडस्ट्रीज मिलती हैं, ये आप इस मैप में देख सकते हैं। अभी इंडस्ट्रियल की बात हमने की, उसका क्लासिफिकेशन किया, उसका सभी चीज़ें हमने का प्रयास किया, राइट। अभी इंडस्ट्रियल पोल्यूशन की बात करते हैं। इंडस्ट्री से कुछ पोल्यूशन भी होता है, एनवायरनमेंट को डिग्रेड भी होता है, तो एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन और इंडस्ट्रियल पोल्यूशन की भी बात करते हैं। तो एयर पोल्यूशन देखने को मिलता है आपका, वाटर पोल्यूशन देखने को मिलता है, थर्मल पोल्यूशन देखने को मिलता है और नॉइज पोल्यूशन देखने को मिलता है, क्योंकि किसी भी इंडस्ट्री में ये सभी चीज़ें आपकी मिलती हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर बात करें तो एयर पोल्यूशन की बात करें तो एयर पोल्यूशन में आप कुछ के
कुछ ना कुछ आपके ऐसे तत्व होते हैं जिनसे हमारा पोल्यूशन होता है, एयर है वो इम्प्योर हो जाती है। तो अगर इसमें कुछ और ज़्यादा हमें हमने वहाँ पर कोई इफेक्टिव डोमिंग का यूज़ नहीं किया तो किसी कुछ एज ए ट्रेजेडी भी हो जाती है, जैसे कि भोपाल गैस ट्रेजेडी है, वो आपके एयर में आपकी गैस है वो लीक हो गई थी, इसी वजह से आपकी भोपाल गैस ट्रेजेडी आज के दिन तक बहुत बड़ी ट्रेजेडी कही जाती है इंडियन कॉन्टेक्स्ट में। तो ये देखने को मिलता है ये आपका इसी वजह से होता है। अभी आपके कंट्रोल कैसे करें इंडस्ट्री जो एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन है, इंडस्ट्री हमारे लिए बैकबोन है हमने कहा, लेकिन उसको एनवायरमेंट को डिग्रेड करने से कैसे रोका जाए ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि हमारे फ्यूचर में अगर हमारा एनवायरमेंट ही अच्छा नहीं रहेगा तो हम कैसे सस्टेन कर पाएंगे। तो जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, कई मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स हैं, वो भी आपके डेवलप किए गए ताकि जो एनवायरमेंट डिग्रेड हो रहा है उसको कम किया जा सके। अभी फॉर एग्जांपल की बात करते हैं तो वाटर पोल्यूशन है, वाटर से जो हम यूज़ किया फैक्ट्री में इंडस्ट्री में यूज़ किया उसको बाद हम उसको वेस्ट कर देते हैं या उसको बाहर आउट कर देते हैं, तो उस आउट वाटर को हम अगर उसको इम्प्योरिटीज़ को हटा कर उसको रिमूव कर और हम उससे में कुछ फिल्टर्स लगा कर फिर रीयूज़ कर दें तो हमारे लिए बेहतर रहता है। तो एक तरीके से ये साइकिल हो जाएगी, आपकी वाटर है वो वाटर फिर इम्प्योर वाटर आपके फ्रेश वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर से हम इंडस्ट्रीज में यूज़ कर सकते हैं। तो ये चीज़ें हमें करनी चाहिए, हर एक डोमेन में करनी चाहिए, तो ये चीज़ें आपकी रहती हैं। आपको इस वीडियो में मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज से रिगार्डिंग जो भी आपके बेसिक कॉन्सेप्ट हैं वो डेवलप किए मैंने, क्या होती है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज वो आपके साथ मैंने डिस्कस किया, क्लासिफिकेशंस की बात की किस किस आधार पे आपके क्लासिफिकेशन मिलता है वो भी आपके साथ डिस्कस किया, दूसरा हमने कुछ पॉजिटिव आपके एस्पेक्ट्स भी रखे नेगेटिव एस्पेक्ट्स भी रखे, वो सभी चीज़ें रखकर आपको ये चैप्टर पूरा पूरा समराइज वे में मैंने की बात करें। इस चैप्टर की बात करते हैं तो ट्रांसपोर्ट आपका किसी मटेरियल या सर्विस जो भी आपके डिफरेंट मटेरियल्स हैं सर्विस हैं आपकी डेली लाइफ में उनको पहुंचाने या आदान प्रदान करने में आपका ट्रांसपोर्ट बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। जो भी आपके आसपास होती हैं उनको इमीडिएट आपके सराउंडिंग में जो होती हैं उनको हम जल्दी से जल्दी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम दूसरी जगह पर पहुंचा सकते हैं और अपने पास ला सकते हैं। जो गुड्स और सर्विस हैं वो आपके सप्लाई लोकेशन से डिमांड लोकेशन पर अपने आप नहीं पहुंचती, उसके लिए एक मीडियम की ज़रूरत है वो है ट्रांसपोर्ट। जैसे कि आपका जो मूवमेंट है मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज वो सप्लाई लोकेशन से अगर डिमांड लोकेशन पर आपकी नेसेसिटीज़ के अकॉर्डिंग या नीड के अकॉर्डिंग आपकी पहुंचाई जाए तो वो ट्रांसपोर्ट होता है। इससे आप समझ पाए होंगे कि ट्रांसपोर्ट क्या होता है। अभी आपका मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट की बात करें तो तीन टाइप का आपका मेनली ट्रांसपोर्ट मिलता है, लैंड वाटर और एयर। लैंड की बात करें डिस्ट्रीब्यूशन आपका रोडवेज रेलवेज पाइपलाइन ये आपके लैंड ट्रांसपोर्ट की एग्जांपल या टाइप्स रहते हैं। वाटर की बात करें तो इनलैंड मिलता है ओवरसीज मिलता है। एयर की बात करें तो आपके डोमेस्टिक एयरवेज होती हैं इंटरनेशनल एयरवेज होती हैं। रेलवे की बात करें एयरवे की बात करें या वाटरवेज की बात करें या और कोई कम्युनिकेशन के मेथड्स हैं वो आपके कंट्रीब्यूट करते हैं सोशियो इकोनॉमिक प्रोग्रेस को। उस कंट्री की कितनी अच्छी सोशियो इकोनॉमिक प्रोग्रेस है वो यही टूल्स यही इक्विपमेंट्स आपके डिसाइड करते हैं। अभी रोडवेज की बात करें तो रोडवेज आपका इंडिया की कॉन्टेक्स्ट की बात करते हैं तो लार्जेस्ट रोड नेटवर्क आपका मिलता है इन द वर्ल्ड सिनेरियो हम बात करें। एग्रीगेट की बात करें तो आपका 54.7 लाख किलोमीटर आपका इसकी लेंथ मिलती है रोडवेज की। अगर हम बात करें रोडवेज आपके रोड और ट्रांसपोर्ट में आपके मेजरली कन्फ्यूजन मिलता है कि रोडवेज बेटर हैं, कईयों का ये डाउट रहते हैं कि रेलवेज आपके बेटर हैं, तो उनकी बात करते हैं कि क्यों हमारे लिए रोडवेज हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहते हैं। जो भी आपके रोड्स हैं उनका कंस्ट्रक्शन जो कॉस्ट है वो आपकी कंपेरेटिव बहुत ही लो रहती है रेलवेज की। रोड है वो आपकी बहुत ही रेयरेस्ट जो जगह हैं टोपोग्राफी आपकी एडवर्स टोपोग्राफी है वहाँ पर भी आपके अच्छे से डेवलप कर सकते हैं। हायर ग्रेडियंट्स मिलते हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा स्लोप्स मिलते हैं, जैसे कि माउंटेनियस रीजन है हिमालय के रीजन में भी आप रोड्स डेवलप कर सकते हैं, वहाँ पे आप जो रेलवेज हैं वो आप डेवलप नहीं कर पाएंगे। रोड ट्रांसपोर्ट की बात करें तो इकोनॉमिकली बहुत ही इफ़ेक्टिव मिलता है क्योंकि शॉर्ट डिस्टेंस पे अगर कोई चीज़ें पहुंचानी है तो हमारे लिए बहुत ही कम कॉस्ट पर पहुंचा पाएंगे। डोर टू डोर आपकी सर्विस मिलती है क्योंकि डोर टू डोर सर्विस आपकी रोडवेज के माध्यम से ही मिलती है। रेलवेज है वो आपका एक डिसाइड प्लेटफॉर्म होगा डिसाइड एक स्टेशन होगा तो वहाँ तक ही पहुँचा पाएगा, बाद में आपका रोडवेज की सहायता लेनी होगी।
आपकी रोडवेज जो रोड ट्रांसपोर्ट है वो आपके बहुत ही फीडर मिलते हैं, या फिर क्या आप कह सकते हैं कि लिंक प्रोवाइड करते हैं रेलवे स्टेशंस को, एयरपोर्ट्स को और सी पोर्ट्स को। तो एक तरीके से ये सभी चीज़ों को एक लिंक प्रोवाइड करते हैं, और ज़्यादातर ये फीडर कह सकते हैं क्योंकि ये सभी चीज़ों को फीड करते हैं, राइट। आप रोडवेज के बारे में जान पाए होंगे। अभी इंडिया के कॉन्टेक्स्ट की बात करें तो क्लासिफाई किया गया है 6 क्लासेज में आपकी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग। एक सबसे जो 6 कैटेगरीज हैं उनको डिस्कस करता हूँ। तो जो सबसे पहला आता है गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवेज, इसको हम स्वर्णिम चतुर्भुज भी कहते हैं। नेशनल हाईवेज हैं, स्टेट हाईवेज हैं, डिस्ट्रिक्ट रोड्स हैं, रूरल रोड्स हैं और बॉर्डर रोड्स हैं। ये आपके 6 क्लासिफिकेशन आपके कैपेसिटी के अकॉर्डिंग मिलता है। रोडवेज की बात करें तो रोड्स हैं आपके, उनको क्लासीफाई किया गया है टाइप्स ऑफ मटेरियल के अकॉर्डिंग, कंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग। तो आपके 2 टाइप्स से मिलते हैं, एक तो आपका मेटल रोड मिलते हैं, जो आपके मेटल रोड हैं आपके जो पक्के रोड कहते हैं जिनको, वो मेटल जो यानी कि कंक्रीट से बने हुए हैं तो वो मेटल रोड कहते हैं, और जो कच्चे हैं यानी कि आपके ग्रामीण इलाके में मिलते हैं वो अनमेटल्ड रोड मिलते हैं। और रोड्स हैं वो आपके डाइवर्स, जैसे कि आपके ये रीजन है, ये रीजन देख सकते हैं आपका कितना घुमावदार है और पहाड़ी इलाके में है, तो यहाँ पर आपके कोई भी रेलवेज डेवलप नहीं कर सकते। यहाँ पर सबसे बेस्ट है वो आपका रोडवेज है। यहाँ जैसे आप अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो ये अरुणाचल प्रदेश के पिक्चर है। यहाँ पर आप देख पाएंगे कि जो लैंडस्लाइड है या बर्फ़ का हिमश्रृंखलन है या एवलेंसेस है, उसकी कंडीशन ज़्यादा मिलती है। इस वजह से आपका बेस्ट होता है वो आपका रोडवेज होता है। इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो नेशनल हाईवेज की लिस्ट दी हुई है, गोल्डन क्वाड्रिनेटर की बात करें तो आपका यहाँ पर आपका दिल्ली है आता है, आपका मुंबई आता है, आपका यहाँ पर आपका बेंगलोर मिलता है, चेन्नई मिलता है, फिर बाद में आपका कोलकाता है। तो मेजर सिटीज़ को हम लिंक कर पा रहे हैं इस गोल्डन क्वाड्रिनेटर के तहत। तो ये सभी चीज़ें जो आपके मेनली मिलती है, ये बहुत ही आपका इम्पोर्टेंट रहता है, क्योंकि हमें जो भी मेजर आपके नगर हैं जो यानी कि आपके टाउन्स हैं उनको हम कनेक्ट कर पा रहे हैं इस रोड के तहत। तो ये रोड्स आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहते हैं इंडियन इकोनॉमी के लिए। रेलवेज़ की बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट हमारा, तो रेलवेज आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है, प्रिंसिपल मोड कहते हैं ट्रांसपोर्ट का, क्योंकि आपके जो पैसेंजर्स हैं, दूर अगर आपको जाना होगा तो आप यही सोचते हैं कि हमें रेलवेज में जाना चाहिए। रेलवे में इसलिए जाते हैं क्योंकि हमारी जो कॉस्ट है वो आपकी कम होती है, वहाँ पर बहुत ही आपके जाने में सहूलियत होती है। तो इस तरीके से आपका रेलवे बहुत इंपॉर्टेंट होता है। रेलवेज़ की बात करें तो इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बहुत ही इकोनॉमिक जो लाइफ है कंट्री की, उसको एक्सेलरेट करता है, उसको डेवलप करता है। आपकी इंडस्ट्रीज़ हैं, एग्रीकल्चर हैं, उनको बहुत अच्छे से डेवलप करता है आपका रेलवे, क्योंकि आपका जो इंडस्ट्रीज़ हैं, एग्रीकल्चर है, वो ज़्यादा दूरी पर उसका कोई सामान पहुँचाना पड़ता है, और दूसरा आपका हैवी मेट होता है। तो इस वजह से आपका रेलवे है वो कॉस्ट इफेक्टिव आपके लॉन्ग डिस्टेंस पर मिलती है। इंडियन रेलवे की बात करें तो 16 जोन्स में आपका बाइफोर्केट किया गया है, इसको रीऑर्गेनाइज किया गया है ताकि अलग अलग रीजन के तहत आपकी रेलवे को डेवलप कर सकें। ये आपका जो पूरा का पूरा दिया हुआ है आपका मैप, इस मैप में आपका आइडेंटिफाई करके रखा है कि हर एक जोन के अकॉर्डिंग जो आपकी सेंटर है, बिल्कुल वो सेंट्रल जोन मिलता है आपका मुंबई, तो मुंबई सेंट्रल जोन आपका मिलता है जबलपुर वेस्ट सेंट्रल जोन। इस टाइप से आपके दिल्ली है वो नॉर्थन रीजन या नॉर्थन रेलवेज में आता है। तो इस तरीके से आपका अलग अलग जोन में डिवाइड इसको कर रखा है कि आपके साथ इस स्क्रीन पर शो भी हो रहा है। अभी इंडियन रेलवे ट्रैक्स की बात करते हैं, ट्रैक्स से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इंडियन जो ट्रैक्स हैं वो आपके आज के दिन बहुत ही इम्पोर्टेंट रहते हैं, क्योंकि आपके जो ब्रॉड गेज हैं, हम आज़ादी के बाद सबसे ज़्यादा हमने कन्वर्ट किया था वो ब्रॉड गेज में किया, क्योंकि ब्रॉड गेज है आपके टोटल के ट्रैक की किलोमीटर भी देख सकते हैं, या आजकल ज़्यादा हमारे पास यही है, क्योंकि ये ज़्यादा जल्दी पहुँचाते हैं और ज़्यादा इफेक्टिव भी रहते हैं, कम कॉस्ट में पहुँचाते हैं। ब्रॉड गेज की मीटर की पूछ लिया जाता है कि कितने मीटर रहता है, तो 1.6 मीटर आपका मिलता है, मीटर में 1 मीटर होता है, नैरो गेज में आपका 0.762, 0.61 आपका मीटर मिलता है। तो ये एक तरीके से क्लासिफिकेशन होता है, ये भी आपके साथ मैंने डिस्कस किया। पाइपलाइन की बात करें तो ये भी आज के दिन इम्पोर्टेंट रोल निभाता है, क्योंकि पास्ट टाइम में आप देखते होंगे कि आपके जो भी ट्रांसपोर्ट होता था वो वाटर का होता था, सिटी टू इंडस्ट्री, सिटीज़ में भी आप सप्लाई देते थे वाटर की, और इंडस्ट्रीज में भी सप्लाई देते थे किसके माध्यम से, पाइपलाइन के माध्यम से।
लेकिन आज के दिन आपके क्रूड ऑयल की भी सप्लाई हम पाइपलाइन से करते हैं, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की पाइपलाइन से आपकी सप्लाई करते हैं। अगर बात करें आपके इस रीजन की, तो इस रीजन में आप देख सकते हैं कि क्रूड ऑयल एलपीजी पाइपलाइन आपके इंडिया में मिलती है। तो ये अलग अलग लाइंस के अकॉर्डिंग आपका डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिलता है इस मैप में, आप देख सकते हैं। वाटरवेज की बात करें तो एक तो आपका इनलैंड वाटरवे होता है, मतलब कि इंडिया के अंदर, और एक आपका होता है इंडिया के बाहर, यानी कि हमें अगर बाहर भेजना है कोई प्रोडक्ट, इंडिया से आपका अमेरिका भेजना है, तो वो आपका आउटर वाटरवे होता है। तो जो वाटरवे आपका होता है वो बहुत ही चीपेस्ट मिलता है ट्रांसपोर्ट। सबसे अगर कम पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा चीपेस्ट कौन सा है, तो आपका वो रोड से, रेलवे से, वाटर से में सबसे ज़्यादा जो चीपेस्ट मिलता है वो वाटर वेज होते हैं। ठीक है, अभी जो मोस्टली आपके जो कैरी किए जाते हैं हैवी और बल्कि गुड्स, वो आपके वाटर वेज से ही आपके किए जाते हैं। वो मेजरली जो पोर्ट्स हैं वो पोर्ट्स आपके ये रहते हैं, ये आपके पोर्ट्स का डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिलता है, ये आप देख सकते हैं। इन पोर्ट्स से आपका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। अभी हम नेशनल वाटरवेज की बात करें, मतलब कि इनलैंड जो कि आपकी नदियों के में देखने को मिलते हैं। अभी सब इसमें नेशनल वाटरवेज 6 हैं, 1 to 6 हैं, उन एक एक को डिस्कस करते हैं। नेशनल वाटरवे 1 है वो आपका गंगा रिवर में है, हल्दिया टू अलाहाबाद। नेशनल वाटरवे 2 है वो आपका धुबरी से सदिया है, ब्रह्मपुत्रा रिवर में। नेशनल वाटरवे 3 है वो आपका वेस्ट कोस्ट कैनाल में है, कोलम से कोटापुरम से तक। नेशनल वाटरवे 4 है वो गोदावरी और कृष्णा की कैलाश में है, वो आपके काकीनाडा से पुदुचेरी देखने को मिलता है। नेशनल वाटरवे 5 है वो ब्राह्मणा की जो कैनाल्स हैं उनमें देखने को मिलता है, और गोयनाकाली से तलचर तक ये देखने को मिलता है। अभी एक नेक्स्ट जो मिलता है नेशनल वाटरवे 6, जो कि बराक रिवर में डेवलप किया जा रहा है, और ये अभी प्रोग्रेस में है, इसका अभी पूरा कंस्ट्रक्शन है वो बना या डेवलप नहीं हो पाया है। अभी ये जो इनलैंड वाटरवेज हैं या नेशनल वाटरवेज हैं, वो आपके 15 15 आपके स्टेट्स में सर्व करते हैं अपनी जो भी सेवाएं हैं वो, तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। एयरवेज की बात करें तो एयरवेज भी आज के दिन क्या है, बहुत ही फास्टेस्ट और बहुत ही कंफर्टेबल आज के दिन मिलता है, और ज़्यादातर जो लोग हैं वो एयरवेज का यूज़ करते हैं, क्योंकि जल्दी से जल्दी हम पहुंच पाते हैं। तो एयरवेज के मामले में आपके जो मेजर पोर्ट्स हैं वो आप देख सकते हैं इस मैप में मैंने दिए हुए हैं, तो वो भी आप ज़रूर देख लें। इंटरनेशनल एयरपोर्ट कौन से हैं, आपके डोमेस्टिक एयरपोर्ट कौन से हैं, वो भी आप चेक कर लें। कम्युनिकेशन की बात करते हैं, कम्युनिकेशन भी एक बहुत ही इफेक्टिव होता है, क्योंकि आपके ह्यूमंस हैं वो आपके अर्थ पर जो अपीयरेंस मिलती है, जो यूज़ करते हैं, वो आपके डिफरेंट आस्पेक्ट्स होते हैं, वो कम्युनिकेशन के माध्यम से ही हम कोलैब कर पाते हैं। पर्सनल और कम्युनिकेशन या मास कम्युनिकेशन की बात करें तो एक टेलीविज़न, रेडियो, प्रेस, फिल्म ऐसे मीडियम हैं जो आपके ब्रॉड पॉपुलेशन के पास एक साथ कोई भी बात या कोई भी आपके थॉट हैं वो पहुंचा पाते हैं। तो एक तरीके से बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका कम्युनिकेशन का भी रोल इसमें होता है, क्योंकि कोई भी चीज़ हमें, कोई भी थिंग है, कोई भी आपका प्रोडक्ट है, वो अगर किसी दूसरी जगह पर पहुंचाना है तो उसमें हमें कम्युनिकेशन भी आना चाहिए। इंटरनेशनल ट्रेड की बात करते हैं तो इंटरनेशनल ट्रेड वो होती है जो कि आपके एक्सचेंज ऑफ गुड्स होता है पीपल्स के बीच में, स्टेट्स के बीच में और कंट्री के बीच में, उसी को हम ट्रेड कहते हैं। तो कोई ये आपका सी, एयर, लैंड रूट्स के थ्रू होता है। इंटरनेशनल ट्रेड की बात करें तो इंटरनेशनल ट्रेड में आपके कुछ इंपोर्ट होता है, कुछ आपका एक्सपोर्ट होता है। तो ये आपका इंटरनेशनल ट्रेड में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये टाइम टू टाइम आपका इफेक्टिव होता है, क्योंकि हर एक कंट्री के पास हर एक चीज़ हो ये पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं होती, उसको इम्पोर्ट करना पड़ता है कुछ चीज़ें, कुछ एक्सपोर्ट भी करना होता है, क्योंकि जो एक्सेसिव चीज़ें हैं वो एक्सपोर्ट भी करेगा, राइट। अभी कुछ रिसेंटली अगर बात करें तो आपका टूरिज्म ट्रेड में भी देखने को मिलता है, मतलब कि आपके जो फॉरेन टूरिस्ट हैं वो इंडिया में विजिट करते हैं, विजिट करने के टाइम आपका हेरिटेज टूरिज्म डेवलप होता है, इको टूरिज्म डेवलप होता है, एडवेंचर टूरिज्म डेवलप होता है, कल्चरल टूरिज्म डेवलप होता है, और आज की सीनेरियो में बात करें तो बहुत ही ज़्यादा डेवलप हो रहा है वो आपका मेडिकल टूरिज्म। मेडिकल टूरिज्म इसलिए डेवलप हो रहा है क्योंकि आज के दिन जो भी आपके विदेश, जो भी फॉरेन कंट्रीज़ हैं उनमें आपकी जो मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं वो ज़्यादा कॉस्टली होती हैं, इफेक्टिव होती हैं, इसलिए आपके इंडिया में जो कंपेरेटिव, उनके कंपेरेटिव आपके चीप होती हैं, इस वजह से मेडिकल फैसिलिटीज़ के लिए मेडिकल टूरिज़्म भी डेवलप हो रहा है। आपके बिजनेस टूरिज़्म भी होता है, कहीं किसी जगह पर हम पहुँचते हैं, हमें निवेश करना है, हमें वहाँ पर कुछ डेवलप करना है, तो वो आपका बिजनेस टूरिज़्म के
पर्सपेक्टिव से भी आपका आज के दिन ट्रेड बहुत होता है। इंडिया के कॉन्टेक्स्ट की बात करें तो आपके एनसीईआरटी के बुक में भी दिया हुआ होगा, इंडिया का रैंक है वो वर्ल्ड के फोर्थ बेस्ट हॉलीडे हेवन में आता है, क्योंकि सबसे पहली हमारी साइट होती है वो इटली है, दूसरी न्यूजीलैंड है, थर्ड आपका ऑस्ट्रेलिया है और फोर्थ हमारी इंडिया आती है। तो एक तरीके से बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट इसका टूरिज्म का भी आपका ट्रेड में होता है। तो ये आपके साथ पूरा का पूरा जो चैप्टर था वो आपके साथ डेवलप किया, डिस्कस किया, आपको कैसा लगा हो ऐसे आशा करता हूँ कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा। ये सभी जो आपके एस्पेक्ट्स मैंने डिस्कस किए अभी अभी आपके साथ एक एक को मैंने डिस्कस किए, अभी जो ये लाइफलाइन ऑफ नेशनल इकोनॉमी है इसको आप पूरा का पूरा समझ पाए होंगे ऐसी मैं आशा करता हूँ। और आपको ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें अपने दोस्तों के साथ, और जो भी आपके पॉजिटिव फीडबैक्स हैं वो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें ताकि मुझे एक मोटिवेशन मिले। सब्सक्राइब कर लें इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो इस चैनल को, और दूसरा अगर सब्सक्राइब कर रखा है तो आपका बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।